हेलो बच्चों कैसे हो आप आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और आज का जो चैप्टर है डेट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लारिंग प्लांट्स ठीक है पहला टॉपिक है हमारा बच्चे रूट जो कि हमारा एक वेजिटेटिव ऑर्गन है विद आर फर्स्ट क्वेश्चन डेट इज एडवेंटिशियस रूट्स अराइज फ्रॉम एडवेंटिशियस रूट्स बच्चे कहाँ से अराइज करती हैं डेट इज एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्राम फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लान अदर देन रेडिकल रेडिकल के अलावा अगर हमारे किसी प्लान पार्ट से रूट्स अराइज होती हैं तो बच्चे वो कौन सी हैं एडवेंटिशियस रूट्स हैं एडवेंटिशियस रूट्स सिस्टम और हमारा फाइबरस रूट कहाँ से अराइज करेंगी फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम और हमारी प्राइमरी रूट्स अराइज करेंगी रेडिकल से ध्यान रखेंगे और अगर याद हो तो एग्जाम्पल्स बच्चे क्या है हमारा एक है मॉन्स्टेरा जो कि एक इंडोर प्लांट है ठीक है और हम बच्चे पढ़ते हैं ग्रासेस में भी हमारे एडवेंटिशियस रूट्स हैं और बच्चे बैनियन ट्री में बेनियन ट्री में स्पेसिफिकली कौन सी रूट्स होती हैं प्रॉप रूट्स होती हैं अराइज किससे करेंगी हमारे ब्रांचेस ऑफ स्टेम से अराइज करेंगी ऑल्सो हमारी स्टिल्ट रूट्स होती हैं बच्चे मेज प्लांट में जहाँ पे लोअर नोट से अराइज करती हैं वो भी क्या प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ठीक है आंसर कौन सा सही हो गया यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया ठीक है आगे का क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ लीफ प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल इज कॉल्ड देखो हमारी लीफ में कंडक्शन किसके थ्रू होता है अगर मैं ये रफ स्ट्रक्चर बनाती हूँ लीव का और ऐसे ठीक है अब जो ये वेन्स हैं बच्चे इनका फंक्शन ही क्या है द मेजर फंक्शन इज कंडक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड मटेरियल दूसरा क्या था रिजिडिटी प्रोवाइड करते थे हमारे लेमिना को तो फ, किसका फंक्शन हुआ हमारा ट्रांसपोर्ट डेट इज वेन्स ऑप्शन डी क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया ठीक है आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो टैप रूट इज़ सीन इन इनमें से बच्चे टैप रूट कहाँ देखी जाती हैं एक तो टैप रूट याद है आपको कि डाइकोट प्लांट्स का फीचर होती है हमारी टैप रूट सिस्टम ठीक है जहाँ पे होता कैसे है कि सपोज हमारे ये प्लांट है तो एक मेन रूट होती है जो अराइज करती है रेडिकल से और मेन रूट्स पे ही हमारी लेटरल रूट्स बनती हैं जैसे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स सेकेंडरी रूट्स एंड टर्शरी रूट्स तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं कि प्राइमरी रूट्स कंस्टिट्यूट सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स और ये कौन सा सिस्टम है हमारा टैप रूट सिस्टम है किस में देखने को मिलता है हमारे डाइकोड्स में देखने को मिलता है ऑप्शन देखो मेज मेज में क्या स्टिल्ट थी स्टिल्ट रूट्स थी एडवेंटिशियस रूट्स थी गलत वीट में बच्चे हमारी मोनोकोट्स हमारी फाइब्रस रूट है मॉन्स्टेरा में हमारे एडवेंटिशियस ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है ठीक है आगे चलो

कि हम क्लासिफिकेशन के टाइम पे आइडेंटिफाई कैसे करते थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को जैसे हम देख के आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस है ऑफ मॉर्फोलॉजी क्लियर है आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो इन प्लांट द एपेक्स ऑफ रूट इज कवर्ड बाय प्लांट में जो रूट एपेक्स है देखो ये हमारा है रूट एपिकल मेरिस्ट अब रूट एपिकल मेरिस्टेम जो कि मेरिस्टेमेटिक रीजन है मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेमेटिक रीजन मेरिस्टेमेटिक जोन इसके बाहर एक थंबल थिमबल जैसे कैप पहना देते हैं ना थिमबल लाइक -like स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो बच्चे क्या है रूट कैप तो हमारी टिप किससे कवर रहती है रूट कैप से कवर रहती है डेट इज थिम्बल पेरेंट काइमेटिस रूट कैप जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे मेरिस्टमेटिक जोन को तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया अगला क्वेश्चन देख लो विच रीजन ऑफ रूट कंटेन्स द सेल विथ थिन वॉल एंड डेंस प्रोटोप्लास्ट याद करो वॉल और डेंस प्रोटोप्लाज्म ऐसे कौन से सेल्स का फीचर है बच्चे ऐसी हमारी कौन सी सेल्स होती हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स होती है मैरिस्टमैटिक सेल थिन वॉल क्यों है क्योंकि बार बार डिवाइड करिए डिपोजिशन तक का तो टाइम मिल ही नहीं रहा तो हमारी मेरिस्टमैटिक सेल कहाँ पे प्रेजेंट है रूट में डेट इज रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी अगर रफ्सा डायग्राम में बना दूं रूट के जोन्स का तो ये देखो सबसे नीचे क्या प्रेजेंट है रूट कैप प्रेजेंट है लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग रूट एपेक्स। फिर हमारा हमारा फ्यू मिलीमीटर्स मेरिस्टमैटिक जोन प्रेजेंट है जो कि क्या है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का बना है मेरिस्टमैटिक रीजन क्लियर है मेरिस्टमेटिक रीजन में जो सेल्स हैं उसके बाद हमारा जोन आता है जोन ऑफ एलोंगेशन या रीजन ऑफ एलोंगेशन अब देखो एलोंगेशन में क्या है बच्चे सेल्स हमारी एलोंगेट कर रही हैं हमारी लेंथ बढ़ रही है तो अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे लेंथ ऑफ रूट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है डेट इज़ रीजन ऑफ एलोंगेशन ठीक है उसके बाहर उसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ मेचूरेशन जहाँ पे हमारे रूट हेयर्स अराइज होते हैं

विच ऑफ़ द गिवन प्लांट्स शो एडवेंटिशियस रूट इनमें से एडवेंटिशियस रूट्स में बेनियन ग्रैस मॉन्सटेरा ये तीनों का ही नाम मैंने बताया था तीनों ही हमारे एन के एग्जाम्पल्स है आंसर कौन सा सही है हमारा डी बिल्कुल सही है ठीक है आगे चले आगे देखो विच ऑफ रूट हमारे growing root में at the tip, क्या present है बच्चे हमारी रूट कैप प्रेजेंट है ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही है यही स्ट्रक्चर मैंने बताया था tip पे क्या प्रेजेंट है रूट कैप प्रेजेंट है अगला क्वेश्चन देखो और बताओ Root hair from. Root hairs, एक तो कौन से जोन से अराइज होते हैं मैंने जस्ट अभी आपको बताया था अराइज करते हैं रीज़न रीज़न ऑफ़ ऑफ़ मैचुरेशन से maturation से लेकिन बच्चे एनाटॉमी में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या एपिडर्मल सेल है रूट हेयर एक एपिडर्मल अपेज है एपिडर्मल अप ठीक है जो कि एपिडर्मल एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का बना है और ये अराइज किससे करता है जैसे हमारी ये एपिडर्मिस एपिडर्मल सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर प्रोजेक्शंस ऐसे होती हैं ठीक है तो दिस इज लाइक दिस ये हमारे रूट हेयर्स जो कि यूनिसेलुलर होते हैं तो एक्चुअल में है क्या एपिडर्मल सेल ऑफ रीजन ऑफ मैच्योरेशन ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया ठीक है आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम इन प्लांट्स इनमें से कौन सा हमारा रूट्स का फंक्शन नहीं है सबसे आसान क्वेश्चन है हमारी सिक्स सेवंथ क्लास से हमें ये सब चीजें पता है स्टोरेज ऑफ फूड करता है जैसे कि कैरेट में जैसे कि और बताओ स्वीट पोटैटो में रेडिश में स्टोरेज ऑफ फूड हमारा क्या है किसका फंक्शन है हमारे रूट्स सही है एंकरिंग द प्लांट अब जड़ जो जड़ है वो प्लांट सॉइल में जाके एंकर कर जाते हैं है? कौन कर रहा है एंकरिंग कौन कर रहा है रूट सिस्टम कर रहा है ये भी सही है एब्जॉर्ब ऑफ वाटर एंड मिनरल्स तो उसका मेन फंक्शन होता ही है फोटोसिंथेसिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम ऑप्शन भी क्या है हमारा बिल्कुल सही है ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन इनमें से रूट्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता रूट हैं यूनिसेलुलर एपिडर्मल सेल जो रीजन ऑफ मेचुरेशन में मिलते हैं ये तो मिलते हैं बच्चे एपिडर्मिस एपिडर्मिस तो होती है होती हमारी स्पेसिफिकली नाम क्या एपिब्लेमा ठीक है वस्कुलर बंडल्स भी होते हैं कंडक्शन होगा कैसे रूट्स जो रूट्स वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो आगे जाएंगे कैसे अगर वस्कुलर बंडल्स ही नहीं है ये भी हमारे प्रेजेंट होते हैं क्या एब्सेंट होता है इनमें से हमारा स्टोमेटा क्वेश्चन में पूछा गया इज नॉट फाउंड इन रूट्स इनमें से क्या चीज़ नहीं मिलती स्टोमेटा हमारे रूट्स में नहीं मिलता स्टोमेटा स्पेसिफिकली लीफ में मिलता है और कभी बार हमारे स्टेम्स में भी प्रेजेंट होता है लेकिन रूट्स में नहीं होता अगला क्वेश्चन देखो फाइब्रस रूट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम बेस ऑफ फाइब्रस रूट्स कहाँ से ओरिजिन कर, करती हैं डेट इज बेस ऑफ स्टेम ठीक है ये अभी पढ़ा था और ये सिस्टम किस में देखने को मिलता है हमारे मोनोकोट्स में देखने को मिलता है जैसे कि इन प्लांट वीट ठीक है एन का एकदम सीधा सा एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन करें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ रूट हमारा जो मैंने बताया था कि कुछ मिलीमीटर mm का हमारा आर ए एम रूट एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है है क्या मेरिस्टम मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी का जो रीजन है वो हमारा स्मॉलेस्ट है डेट इज रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी क्लियर है अगले क्वेश्चन पे चलते हुए इन विच प्लांट इज टैप रूट सिस्टम टिपिकली मोर डेवलप्ड एंड प्रोमिनेंट इनमें से कहाँ पे टैप रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड होता है कौन से में होता है मैंने बताया था एंजियोस्पर्म्स में जिम्नोस्पर्म में भी टैप रूट सिस्टम है याद रखिएगा एंजियोस्पर्म्स में होते हैं हमारी टैप रूट्स और उसमें भी स्पेसिफिकली डाइकोट्स में ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आगे चलो इन मेजोरिटी ऑफ द डाइकोट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ डैश ए लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बी हमारी देखो डायरेक्ट इलोंगेशन अगर मैं पूछूं रेडिकल रेडिकल की डायरेक्ट इलोंगेशन बच्चे कौन सी होती है हमारी प्राइमरी रूट होती है क्लियर है और प्राइमरी रूट्स से हमारी सेकेंडरी टर्सरी रूट्स बनती हैं लेटरल रूट्स बनती हैं ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा ए बिल्कुल सही हो गया अगर ऑप्शन सी की तरफ देखो यहाँ पे प्लेम्यूल लिखा है तो अगर हम डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ़ प्लूम्यूल लिखते तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शूट आना चाहिए था क्योंकि प्लेम्यूल किसको करती है ओरिजिनेट्स दैट इज शूट या स्टेम तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है ठीक है आगे का क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक से जो वेजिटेटिव ऑर्गन स्टेम स्टेम में देखो स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन स्टेम रूट से कैसे डिफर करती है एक कुछ अगर बातें मैं आपको बताऊं तो एक तो स्टेम क्या है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है और नेगेटिवली नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है ये दोनों चीज़ें अलग हैं हमारी रूट से रूट्स क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक स्टेम में बच्चे हमारे नोड्स प्रेजेंट हैं इंटर प्रेजेंट हैं बर्ड्स प्रेजेंट हैं बर्ड प्रेजेंट एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है फ्लावर प्रेजेंट है फ्रूट प्रेजेंट है लीफ प्रेजेंट है और ये कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता कहाँ पे हमारी रूट्स में क्लियर है और अराइज किससे करती है हमारी प्लूम्यूल से अराइज करती है ठीक है अब देखो क्वेश्चन स्टेम डिस्टिंग्विश फ्रॉम रूट इन प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा सही है लेकिन आगे के ऑप्शंस पे ध्यान दें तो एब्सेंस ऑफ नोड्स नहीं एब्सेंस किस में होती है रूट में होती है प्रेजेंस ऑफ हेयर फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन स्टेम हेयर होते हैं लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं टू रिड्यूस वाटर लॉस तो ये भी गलत हो गया एबसेंस ऑफ बर्ड बर्ड हमारा प्रेजेंट होता है stem में। ऑप्शन कौन सा सही है ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है अगला क्वेश्चन देखो स्टेम फ्रॉम अभी मैंने बताया था रेडिकल से कौन बनेगा रूट बनेगा प्लूम्यूल से कौन बनेगी शूट बनेगी या मैं कहूँ स्टेम बनेगी ऑप्शन कौन सा सही है बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ठीक है थीके? देखो अगर मैं ऐसा सब स्ट्रक्चर का फीचर बना ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हूं ठीक है तो अगर ये हमारी प्लूम्यूल है दिस इज प्लूम्यूल दिस इज रेडिकल और ये बच्चे हमारे दो कॉटलीडन प्रेजेंट है कॉटेलिडन तो हमारी प्लूम्यूल क्या बनाएगी शूट बनाएगी और रेडिकल क्या बनाएगी बच्चे रूट बनाएगी क्लियर है ओके okay. एन का डायग्राम है आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को द रीजन ऑफ स्टेम वेर लीव आर बोर्न ऑन देखो मैंने बताया लीव्स प्रेजेंट हैं, फ्लावर प्रेजेंट है लेकिन लीव्स प्रेजेंट कहाँ है ये हमारी स्टेम एक्सेस है तो दिस इज नोड्स ठीक है ये बच्चे हैं हमारी नोड्स क्लियर है और नोड्स के बीच में जो पार्ट प्रेजेंट होता है ये बच्चे है इंटर नोड्स डेट इज रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स वो क्या हो गया इंटर नोड हो गया और हमारी लीव्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी कहाँ पे बॉन्ड होंगी हमारे नोड्स पे होंगी ठीक है ऐसे तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया रीजन ऑफ स्टेम वेर लीव्स आर बॉन्ड दैट इज नोड्स ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कोई डाउट नहीं आना चाहिए लीव्स पे करती हैं? है Nodes पे राइज करती हैं। दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसको बच्चे कहते हैं इंटर नोड। क्लियर है आगे का क्वेश्चन देखिए स्टेम्स आर जनरली स्टेम्स बच्चे हैं क्या पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक में हमारे पहले ये तीन ठीक है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ये हमारा नेगेटिवली जिओट्रॉपिक और नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हमारी रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है लेकिन स्टेम क्या है नेगेटिवली नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ऑप्शन कौन सा सही है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया क्लियर है आगे करें अगला क्वेश्चन देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Stem? Stem से हमारा जियोट्रॉपिक कौन सा सही है ऑल ऑफ बिल्कुल सही है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें फंक्शंस दिए गए हैं बी लीव्स एंड ब्रांचेस लीव और ब्रांचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टेम पे आगे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल ओके स्टोरेज ऑफ़ फूड अब देखो ये अगर स्टोरेज ऑफ फूड और कंडक्शन की बात कर लेते तो रूट में भी होता है लेकिन लीव और ब्रांचेस कहाँ होते हैं हमारे सिर्फ स्टेम में होते हैं ऑप्शन कौन सा सही है बी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है ठीक है आगे का क्वेश्चन देखो हमारे आगे के क्वेश्चन है फ्रॉम नेक्स्ट वेजिटेटिव ऑर्गन द लीफ पहला क्वेश्चन देखो द रेटिकुलेट इज कॉमनली फाउंड इन टर्म आ गई है बढ़िया देखो से से ही ही पता पता चल चल गया नाम रहा है vein और veinlets का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं अब रेटिकुलेट रेटिकुलेट हमारा टर्म आए रेटिकुलम चे, रेटिकुलम से मतलब क्या है नेटवर्क तो वो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स जहां पे नेटवर्क फॉर्म कर रही है देखो ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर ये हमारी वेन्स है ठीक है और क्या है क्या रही है कि वेन और वेनलेट्स क्या बना रही है नेटवर्क बना रही है कैसे ऐसे नेटवर्क बना रही है हमारा ऐसे नेटवर्क कौन फॉर्म कर रही है हमारी वेन और वेनलेस और ऐसा रेटिकुलेट वेनेशन कहाँ पे देखने को मिलता है डाइकोट्स में देखने को मिलता है अब डाइकोट्स ढूंढ तो शू फ्लार मैंगो पीपल ये तीनों ही क्या है बच्चे हमारे डाइकोट्स हैं ऑप्शन कौन सा सही है ऑल ऑफ दिस ठीक है अगर यहाँ पे आपको बोला जाता पैरेलल वेनेशन तो हमारी वेन और वीनलेट्स का वो नेटवर्क जहां पे वेन्स कैसे रन पैरल कर रही है रन तो ये बच्चा पैरल वेनेशन हमारी कौन से प्लांट्स में देखी जाती है मोनोकोट प्लांट्स में देखी जाती है तो आप देखते ही बता दोगे पैरल और रेटिकुलेट के एग्जाम्पल्स क्लियर है आगे देखो स्टिप्यूल्स स्टिप्यूल्स है क्या ये देखो अगर मैं ये एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ ऐसा ये हमारा स्ट्रक्चर बना दिया ठीक है इस तरीके से ओके यहाँ पे हमारी ऐसे लीव्स लाइक प्रेजेंट होती हो रही है और ये देखो स्ट्रक्चर है ये हमारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ये हमारा लीव बेस ठीक है ये जो स्टॉक दिखाई दे रही है स्टॉक ऑफ लीफ ये है बच्चे हमारा पीटीओल और हमारे ये एक्सपेंडेड पार्ट है बच्चे हमारा लेमिना ठीक है और जो लेटरली हमारी टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर लीफ बीक्स में प्रेजेंट है इन्हीं को कहते हैं स्टिप्यूल्स अगर लीव्स में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट लीफ हो गई और अगर हमारी स्टिप्यूल्स एब्सेंट है तो एक स्टिपुलेट लीफ हो गई और जो ये मैंने ये है बच्चे ध्यान से ये है हमारी स्टिप्यूल्स और जो ये ग्रीन से मैंने दिखाई ये हमारा एक्सिलरी बड एक्सिलरी बड क्लियर है तो पूछा क्या है आपसे स्टिप्यूल्स क्या है टू लेटरली स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर तो ऑप्शन ए ही क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया अगला क्वेश्चन देखो पल्वीनस पल्वीनस भी बहुत इम्पोर्टेंट है देखो हमारी लीफ बेस मॉडिफाई कर जाती है और हमारा स्वॉलन स्ट्रक्चर बना लेती स्वॉलन लीफ बेस गेट स्वॉलन और स्वॉलन लीफ बेस को क्या कहते हैं हमारा पलवीनस और पलवीनस बच्चे कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है डेट इज लेग्यूमिनस हमारी फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है ऑप्शन कौन सा सही है इट इजन लीव बेस ऑफ लेग्यूम्स ऑप्शन कौन सा सही हो गया ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया ठीक है अगला क्वेश्चन देख लो ये तो वही पुराना वाला ही है इन सम लिग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस मे गेट स्वॉलन विच इज कॉल्ड हमारा स्वॉलन हो जाता है तो बनाता क्या है पल्वीनस ठीक है आगे चले अगर लीफ शीत की बात करें तो लीफ शीत हमारे किसमें होती है मोनोकोट्स में होती है, है। लीफ बेस क्या बना रहे शीत बना रहे ठीक है आगे चले जनरलीउंडेड बताया था ना पैरल मतलब क्या है कि जैसे अगर अगर मैं मैं ये ये बनाती बनाती एक का का ऐसे इस तरीके से ठीक है ऐसे सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो हमारी जो वेन्स है ये कैसे पैरलि रन कर रही हैं आर पैरेलल टू ईच अदर तो बच्चे ऐसा कौन सा वेनेशन है पैरेलल वेनेशन है और जहां जो किस प्लांट्स में देखा जाता है हमारे मोनोकोट्स प्लांट्स में देखा जाता है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया अगला क्वेश्चन देखो लीव्स इन द सिल्क कॉटन सिल्क कॉटन में लीव्स बच्चे कैसी होती हैं देखो अगर लीफ शेप की मैं बात करूं तो तीन टाइप की होती है एक है हमारी सिंपल लीफ सिंपल लीफ में बच्चे हमारी कोई भी इंसीजन प्रेजेंट नहीं होती या तो प्रेजेंट नहीं है इंसीजन कैसे कि ये जो कट से दिखाई देते हैं या तो ये प्रेजेंट नहीं है और है तो बच्चे हमारे मिड रिप तक नहीं पहुंचे हुए मतलब ये जो पार्ट है ये यहाँ तक नहीं पहुंचा हुआ ठीक है ऐसे प्रेजेंट है तो ये हमारी सिंपल लीफ ठीक है उसके बाद जैसे कि हमारे पीपल में देखने को मिलते चाइना रोज में मैंगो में फिर है बच्चे हमारी लीफ लीव लीफ पिनेटली कंपाउंड लीफ ठीक है पिनेटली कंपाउंड लीफ में बच्चे हमारी वेनेशन में वेनेशन कह रहे हो हमारी इनसीजन मिड रिप तक पहुंच जाती है सपोज अगर ये वेनेशन जो ऐसे प्रेजेंट है ठीक है ये ऐसे यहाँ तक पहुंच गई है और जो मिड रिब है वो क्या बना रही है रैकेज बना रही है तो हमारी लीफ कैसी दिखेगी ऐसी तो क्या बना दिया रेचेज बना दिया दिस इज रेचेज और ये क्या है हमारी लीफ लेट है और ये बच्चे कहाँ पे देखने को मिलती हैं इन नीम नीम का पत्ता जाके देखो ऐसा ही देखने को मिलता है ठीक है अगला है बच्चे हमारी पामेटली लीफ पामेटली लीफ में बच्चे होगा क्या कि हमारे एक पॉइंट से जैसे कि एक पॉइंट से हमारी काफी सारी लीफ अराइज हैं जैसे कि ऐसे ठीक है और ये किस में देखने को मिलता है सिल्क कॉटन में देखने को मिलती है हमारी पामेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन क्लियर कॉटन कैसी होती है पामेटली कंपाउंड होती है हमारी बहुत सारी लीफलेट्स एक पॉइंट पे अटैच होती है क्लियर है अगला क्वेश्चन देखो हमारे अगले क्वेश्चन है इनफ्लोजिशियन से तो क्वेश्चन वी हैव इज क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड इज देखो अगर मैं कहूँ हमारा फ्लावर सिंगली प्रेजेंट है तो वो क्या है बच्चे हमारा सोलिट्री है। लेकिन अगर क्लस्टर ऑफ फ्लावर प्रेजेंट होता है और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस दैट टर्म वी हैव इज इन फ्लोरिसेंस तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया इन फ्लोरिस सही हो गया अगर मैं बाकी ऑप्शन की तरफ जाऊं तो देखो वेनेशन वेनेशन क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन इन लेमिना ये गलत हो गया फाइलोक्लेट बच्चे हमारी स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है जब स्टेम क्या करती है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करे तो हमारा फाइलोक्लेट भी गलत हो गया अब सी ऑप्शन देखो सी में बच्चे फाइलोड फाइलोड क्या है एक लीफ की मॉडिफिकेशन है जब पिटियोल हमारा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया ऑप्शन ए इज़ इन फ्लोरिसेंस इज करेक्ट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले

कि हमारी मेन एक्सेस ग्रो करती रहेगी और हमारे फ्लावर कैसे लेटरली बोर्न करेंगे अब देखो जैसे जैसे ये ग्रो कर रही है तो हमारा नए फ्लावर बनते जा रहे हैं तो हमारा यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पे है टॉप पे दिस इज यंगेस्ट फ्लावर कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे एपेक्स पे प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया बच्चे हमारा यंगेस्ट फ्लावर एट द एपेक्स तो कौन सा मैनर हो गया एक्रो पितल, एक्रो पितल मैनर। तो इसके लिए क्या क्या कहेंगे कि हमारी जो मेन एक्सेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकती है अनलिमिटेड ग्रोथ होगी इनफिनाइट ग्रोथ होगी यंगेस्ट फ्लार हमारे टॉप पे या एपेक्स पे, पे प्रेजेंट होगा लेकिन यहाँ पे एपेक्स वर्ड यूज नहीं किया गया तो अगर मैं डिस्टिल कहूं तो अगर मैं कहूँ हमारे सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सरफेस हमारा यंगेस्ट कहाँ प्रेजेंट है डिस्टली प्रेजेंट है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है आगे का क्वेश्चन देखो मेन एक्सेस इन साइमोज इन मेन एक्सेस साइमोज एंड रेसिमोस समझ आ गया मेन एक्सेस ग्रो करती जा रही है यंगेस्ट हमारा टॉप पे है इन्फिनाइट ग्रोथ है अनलिमिटेड ग्रोथ है अभी देखो साइमोज साइमोज इन फ्लोरिसेंस ये है बच्चे साइमोज इन फ्लोरिसेंस होगा क्या ये देखो हमारा ग्राउंड सरफेस है हमारी लीफ हमारी जो एक्सेस ग्रो कर रही है उसके बाद यहां पे आके फूल बन गया मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लार ठीक है मेन एक्सेस फ्लार में टर्मिनेट कर गई अब यहां से अगर लेटरल ब्रांच बनती है वो भी फ्लार बन जाएगा यहां से लेटरली ग्रो कर यहाँ से बनेगी यहां भी, भी फ्लावर इस पे फ्लावर यहाँ से गिरेगी यहाँ पे भी फ्लावर तो हो क्या रहा है कि हमारी एक फाइनाइट ग्रोथ है मेन एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ शो नहीं कर रही एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है लिमिटेड ग्रोथ हो जाती है और अगर इसके रेफरेंस में देखें तो हमारा जो यंग फ्लावर है वो कहां है डीसिल में है तो कैसा होगा बेसिपेटल मैनर होगा बेसिपेटल मैनर ठीक है हमारी लिमिटेड ग्रोथ होगी फाइनाइट ग्रोथ होगी मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर फ्लार अब देखो क्या लिखा है मेन एक्सिस इन साइमोज इन फ्लोरिसेंस हैज लिमिटेड ग्रोथ यही बिल्कुल सही है लिमिटेड है फाइनाइट है आगे ऑप्शन देखो आर बोर्न इन एक्रोपिटल नहीं एक्रोपिटल सक्सेशन तो हमारे रेसिमोज में था नहीं नहीं तो तो होती limit कर जाती है है क्या होना चाहिए कौन सा सही है हमारा ए बिल्कुल सही ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो मेन एक्सिस हमारी ग्रो करती जा रही है कंटिन्यूसली ठीक है बोर्न फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एक्रोपिटल मैनर एक्रोपिटल मैनर में हमारे नया फ्लार कहाँ पे है यंगेस्ट फ्लार टॉप पोजीशन पे है एपेक्स पे प्रेजेंट है ठीक है और ये कैसा इनफ्लोरिसेंस है कहाँ पे ये दिस टाइप ऑफ इनफ्लोरिसेंस अभी बताया था रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस। ऑप्शन बी क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया आगे का क्वेश्चन देखो अ डैश इज अ मॉडिफाइड शूट ओके मॉडिफाइड शूट वेयर इन द डैश मेरिस्टेम मॉडिफाइड टू फॉर्म फ्लोरल मेरिस्टेम देखो फ्लोरल मेरिस्टेम की बात हो रही है कौन सी चीज मॉडिफाइड शूट में हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाती है क्या इसको मैं एक्सप्लेन करूं डिटेल में देखो ये हमारी एक्सिस है ये यहां पे हमारी शूट एपिकल मेरिस्टेम ठीक है ये ग्रो करती जा रही है लेकिन एक्सटर्नल स्टेबलाइज से कुछ signals आए कि इसको शूट एपिकल मेरिस्टेम को चेंज होना है फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम में होना है में होना तो क्या बनाएगा? ये फ्लार बनाएगी अब changes हुए क्या जैसे कि यहाँ पे हमारी इंटर नोड्स प्रेजेंट है ये समझो नोड्स है ठीक है होगा क्या कि हमारी नोड्स की नोडल इलोंगेशन एकदम कम हो जाएगी नोड्स हमारे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे देखो ऐसे एकदम पास पास आ जाएंगे और सक्सेसिव नोट से बनेंगे क्या फ्लोरल पार्ट्स बनेंगे ना कि लीफ हमारे सेपल पेटल एंड्रोशियम गाइनोशियम तो ये बन क्या गया एक फ्लार बन गया कहाँ पे हमारी शूट के टिप पे हमारा क्या बन गया एक फ्लार बन गया शूट एपिकल मेरिस्टम किस में चेंज हो गया फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गया ठीक है तो क्या मैं कह सकती तो हूँ ये एक फ्लार है क्या एक मॉडिफाइड शूट है फ्लार इज मॉडिफाइड शूट जहां पे शूट एपिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है फ्लोरल में. C बिल्कुल सही हो गया। की शूट एपिकल तो फ्लोरल हमारी हो गया. की है. है हमारी जाती और नोट बियर करती है फ्लोरल पार्ट ठीक है ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन सी एकदम सही ऑप्शन है अगला क्वेश्चन देखो फ्लावर्स इन साइमोस इन फ्लोरिस साइमोस इनफ्लोरिसेंस में बच्चे हमारे फ्लावर्स कैसे रहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में रहते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में रहते तो ये तो हमारे एकदम सही हो गया अब हमारा यंगेस कहाँ प्रेजेंट है बेस पे ऑल्डेस कहाँ प्रेजेंट होगा एपिक्स पे तो ये भी सही हो गया ऑप्शन कौन सा सही हो गया बोथ ए एंड बी साइमोज इन और रेसिमोज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ साइमोज में क्या होगा बेसिक पिटल ऑर्डर होगा यंगेस्ट हमारा कहाँ पे बेस पे ठीक है अगला क्वेश्चन देख लो फाइंड द इनकरेक्ट वन हमें इनकरेक्ट बताना है तो रेसिमोज इन फ्लोरिसंस देखो इन क्या है फ्लोरिसेंस फ्लोरिस आ इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सेस सही है साइमोज में ऑर्डर कैसा रहता है बेसिपिटल ऑर्डर रहता है रेसिमोज में हमारा एक्रोपिटल ऑर्डर रहता है। सोलिट्री एक्स नहीं बच्चे क्यों नहीं सोलिट्री फ्लार का मतलब है कि हमारा सिंगल फ्लार सिंगल फ्लार जब हमारी जो एक्सेस है टिप पे क्या है एक फ्लार बन जाता है सिंगली डेट इज सोलिट्री और यहाँ पे लिखा है बंच तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हमारा इनकरेक्ट मैच हो गया ऑप्शन कौन सा है सही क्लियर है इनकरेक्ट पूछा था डी हमारा ऑप्शन सही हो गया अब यहाँ पे देखो हमारा डायग्राम गिवन है बी को देखो बी में मैंने ऐसा कुछ ही तो बनाया था हमारा मेन एक्सेस बन गई यहाँ से ब्रांच अराइज हुई फिर से फ्लार बन गया फिर ब्रांच आराइज हुई फिर से यही तो मैंने साइमोज में बताया था तो बी तो हमारा क्या हो गया साइमोज ए बच्चे क्या हो गया ए में क्या है कि एक्सेस ग्रो करते जा रही है और लेटरली हमारे यहाँ पे फ्लार ऐसे बनते जा रहे हैं तो ये क्या है हमारा रेसिमोज है अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें ऑप्शन बताओ ए क्या है रेसिमोज बी क्या है साइमोज ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा सही हो गया ऐसा कुछ बनाया था ना साइमोज़ का ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है रिगार्डिंग साइमोज इन पहला इज इट इज अरेन्ज इन एक्रोपिटल यही इनकरेक्ट है इट हैज इनफाइनाइट ये भी इनकरेक्ट दोनों इनकरेक्ट आ गए इट हैज फाइनाइट ये तो करेक्ट है हमसे पूछा क्या था इनकरेक्ट था ए और बी दोनों इनकरेक्ट है ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन डी हमारा सही हो गया इनकरेक्ट पूछा था ए और बी दोनों इनकरेक्ट है अगला क्वेश्चन देखो साइमोस इन फ्लोरिस इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से बच्चे साइमोस इन फ्लोरिस किस में देखने को मिलती है अब ये आप बताओ देखो फैमिलीज पढ़ते हुए सेस्बेनिया और ट्राइफोलियम किससे बिलोंग करते हैं हमारे फेबेसी फेबेसी दोनों में इनमें क्या होती है फेबेसी और फेबेसी में फ्लोरिसेंस कौन सा होता है रेसिमोस ठीक है ब्रेसिका बिलोंग करती है ब्रेसिकेसी से उसमें भी रेसिमोज इनफ्लोरिसेंस है बच कौन सा गया हमारा सोलेनम सोलेनेसी फैमिली और किससे हमारा इसमें होगा क्या कौन सा इनफ्लोरिसेंस होगा साइमोज ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हेयर इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ सेम वर्ल्ड इज नॉन एज देखो वर्ल्ड वर्ड आया है इसका मतलब क्या है अगर मैं वर्ल्ड कहूँ तो एक एंड्रोशियम की जो वर्ल्ड रहती है गाइनोशियम जिसमें हमारी कार्पल्स प्रेजेंट है कोरोला जिसमें हमारे पेटल्स प्रेजेंट है कैलिक्स जिसमें हमारे सेपल्स प्रेजेंट है तो अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स सेपल्स का अरेंजमेंट अदर मेंबर्स ऑफ़ द सेम वर्ल्ड की सेपल का अरेंजमेंट बाकी सेपल्स को देख के वो क्या है दैट इज देखो ये अरेंजमेंट कैसा है इसी को हम क्या कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं सेपल का देख रहे हैं तो बाकी सेपल से देखेंगे पेटल्स का देख रहे हैं तो बाकी पेटल से देखेंगे और अरेंजमेंट को बच्चे हम क्या कहते हैं एस्टिवेशन कहते हैं क्लियर है आगे का क्वेश्चन देखो फ्लार्स एंड लेटरल ब्रांचेस अराइजेज फ्रॉम फ्लार और लेटरल ब्रांचेस किससे अराइज करेंगे वो अराइज करेंगे एग्जिलरी बर्ड एक्जिलरी बर्ड देखो एग्जिलरी बर्ड या बर्ड है क्या एक कॉम्पैक्ट कंडेंस्ड यंग शूट है कंड शूट अब यंग शूट है कंडेंस्ड है ये बाद में जाके क्या बनाती है हमारी ब्रांच बनाती है और ब्रांच की अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया तो वो फ्लार बना देगा तो बन किससे रहा एक्सिलरी बर्ड से ही फ्लार भी अराइज हो रहा है और हमारी स्टेम या कहूं ब्रांच भी हो रही है तो ऑप्शन ए क्या है हमारा बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखो टाइप ऑफ एस्टिवेशन शोन बाय पाइसम पाइसम में इनमें से कौन सा एस्टिवेशन देखने को मिलता है पाइसम बच्चे किससे बिलोंग करता है हमारी फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है और फेबेसी फैमिली का दूसरा पुराना नाम क्या था पेपिलियोनीसी फैमिली पेपिलियोनीसी जो कि एक सब फैमिली थी फेबेसी फैमिली में अगर कोरोला की बात करूं तो हमारा एस्टिवेशन कैसा है वेगजिलरी एस्टिवेशन है वेगजिलरी एस्टिवेशन और ये वे, वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता कैसा है वो जल्दी से देखो इसमें होता क्या है कि हमारा एक लार्जेस्ट स्टैंडर्ड पेटल प्रेजेंट है पेटल्स कोरोला की बात हो रही तो पेटल एक लार्जेस्ट पेटल प्रेजेंट है दैट इज इस स्टैंडर्ड इसी का दूसरा नाम है वेक्सिलम ठीक है वो कवर वो ओवरलैप किया होता है किसको अंदर जो हमारी विंग्स प्रेजेंट है दिस इज दो विंग्स कहो या इसके लिए टर्म यूज कर लो एल ए ये भी एनक्लोज की होती है हमारी आगे दो वर, दो पेटल्स को जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं और ये फ्यूज क्या है बच्चे कील है या इसी का नाम है कैराइना ठीक है ये देखो ये फ्यूज है इसीलिए अगर मैं फ्लोरल फार्मूला में लिखूँ तो कैसे लिखते हैं वन प्लस टू प्लस टू को फ्यूज कंडीशन में दिखाते तो ये ऐसे टाइप का एस्टिवेशन कहाँ मिलता है हमारे पाइसम में मिलता है एंड दिस इज वेगजिलरी एस्टिवेशन पाइसम क्या एक पी किसका मेंबर है हमारा फेबेसी फैमिली का अगला क्वेश्चन देखो फ्लार इज ऑलवेज सॉलिटरी वेन फ्लार हमारा सोलिट्री कब होता है जब हमारी शूट टिप क्या बना लेती है फ्लार बना लेती है एंड ये तो एकदम एन की लाइन है ठीक है आगे चले द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज देखो स्टैंडर्ड पेटल विंग पेटल कील पेटल ये किस में प्रेजेंट है एस्टिवेशन में जो कि अभी बताया था लार्जेस्ट स्टैंडर्ड फिर क्या है विंग्स और उसके बाद फ्यूज क्या है हमारी कील प्रेजेंट है और ये एस्टिवेशन कौन सा है हमारा डेट इज वैक्लरी एस्टिवेशन ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया ठीक है आगे चले अगला देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम की बात हो रही है और एंड्रोशियम की सिंगल यूनिट क्या होती है डेट इज स्टेमिन और स्टेमिन का पार्ट देखो स्टेमिन का एक है फिलामेंट एंड अनदर इज लोब्ड स्ट्रक्चर क्या है हमारा एंथर स्ट्रक्चर बनाऊ तो ये हमारा फिलामेंट है स्टॉक ऑफ एंथर स्टॉक ऑफ स्टेमिन जिसके क्या है हमारी लोब्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि ये बाई टेट्राथिकस दिस इज एंथर और ये क्या है फिलामेंट तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया एंथर बी और फिलामेंट बी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो गया ठीक है आगे देखो यूनाइटेड बी यूनाइटेड सेपल्स, आर कोल्ड ए फ्री सेपल्स आर कोल्ड की बात कर रहे हैं फ्यूज सेपल्स. फ्यूज्ड सेपल्स अगर हमारे सेपल्स आपस में फ्यूज हों जैसे कि अगर ये मैं बना रही हूं पांच और ये आपस में ऐसे फ्यूज है और सेपल्स की बात है तो क्या हो गया गैमोसेपलिस हो गया ठीक है ये क्या हुआ गैमोसेपलिस और अगर मैं बात करूं कि सेपल्स फ्री हैं आपस में कोई फ्यूजन प्रेजेंट नहीं है सेपल्स आपस में फ्री हैं तो उसके लिए यूज करते पोलीसेपलिस पोलीसे ऑप्शन कौन सा सही है बी सही है अगर पेटल का बात करते हैं तो फ्यूज पेटल फ्री पेटल गैमोपेटलिस क्लियर है आगे का क्वेश्चन देखो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में बच्चे होता क्या है ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बिटवीन द ओवरलैपिंग प्रेजेंट होती है ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड लेकिन नो पर्टिकुलर फैशन कोई भी पर्टिकुलर फैशन नहीं होता इस लाइन का मतलब देखो एक ने दूसरे को ओवरलैप किया दूसरे ने तीसरे को ओवरलैप किया एक एंड दूसरे एंड को ओवरलैप कर रहा है ना देखो ऐसे यहाँ तक तो ठीक है लेकिन आगे क्या है कि ये एकदम दोनों एंड्स अंदर आ गए और ये एकदम दोनों बाहर आ गए तो कोई भी पर्टिकुलर मैनर ही नहीं है पहले मैनर सही चल रहा था एक के बाद एक कर रहा था लेकिन उसके बाद इसके तो दोनों एंड्स अंदर हैं इसके दोनों एंड्स बाहर हैं एक का एक एंड बाहर है एक एंड अंदर है तो कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है ये कैसा एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है और बच्चे ये कौन से में देखने को मिलता है डेट इज गुलमोहर ऑप्शन बी ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया और इसका दूसरा एग्जाम्पल बता दो जल्दी से एक तो हो गया गुलमोहर दूसरा क्या हो गया केजिया ठीक है केशिया और गुलमोहर में कैसे देखने को मिलता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है आगे चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल द प्लेसेंटेशन इज यूनीक्यूलर ओवरी है और सिंगल ओव्यूल प्लेसेंटेशन होता क्या है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी एंड दैट इज प्लेसेंटेशन और प्लेसेंटेशन में यहाँ पे देखो इस कंडीशन में यूनिलोक्युलर है और सिंगल ओव्यूल है वो भी कहाँ होता है बच्चे बेस पे होता है तो ये कैसा है हमारा बेसल प्लेसेंटेशन है बेसल प्लेसेंटेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे सनफ्लावर में प्रेजेंट होता है सनफ्लावर और बच्चे कहाँ प्रेजेंट होता है मैरीगोल्ड में प्रेजेंट होता है ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं दैट इज मोनो एडलफस्टेम एक्साइल प्लेजेंटेशन अल्टरनेट फाइलोटेक्सी सुपीरियर ओवरी ट्विस्टेड एस्टिवेशन इनमें से कौन सा है बच्चे दैट इज चाइना रोज ऑप्शन सी सही है देखो सबको एक एक करके डिफाइन करते हैं मोनो एडल्फ स्टेमन का मतलब है हमारे स्टेमन फ्यूज हैं और फ्यूज करके क्या बना रहे हैं एक बंच में प्रेजेंट है या एक बंडल में प्रेजेंट है ठीक है एक्साइल प्लेसेंटेशन हमारे चाइना रोज में देखने को मिलती है और चाइना रोज के अलावा कहाँ पे देखने को मिलती है टमेटो में और बच्चे कहा हमारे लेमन में ठीक है एग्जाम जैसे कि ये हमारा है इसमें मल्टी लोक्युलर कंडीशन है और हमारे ओवुल्स कहाँ सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस दिस इज एक्सिलरी एक्साइल प्लेसेंटेशन ठीक है आगे देखो अल्टरनेट फाइलो अल्टरनेट फाइलो कैसा होता है कि हमारी मे जो ब्रांच है उस पर लीव्स का अरेंजमेंट है फाइलो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच और स्टेम इज फाइलो और उसमें भी बच्चे कैसे एक नोट से हमारी एक ही लीव बनेगी ये क्या होता है हमारा अल्टरनेट फाइलो होती है अल्टरनेट फाइलो एक तो चाइना रोज हो गया और बच्चे क्या हो गया मस्टर्ड हो गया और क्या हो गया सनफ्लावर हो गया क्लियर है आगे देखो सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी बच्चे हमारे हाइपोगाइनस फ्लावर की बात हो रही है हाइपोगाइनस फ्लावर में हमारे चाइना रोज के साथ साथ ब्रिंजल और मस्टर्ड इनमें क्या देखने को मिलता है आइपो सुपीरियर ओवरी सुपीरियर ओवरी का मतलब है गाइनोशियम इज गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन एंड अदर फ्लोरल पार्ट अराइजेज बिलो इट तो दिस इज सुपीरियर ओवरी और ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमारे एक एंड अगले पेटल के को 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 किया किया है अगल, किया है 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 उससे अगला अगले हमारे में में देखने देखने मिलता मिलता और और किस बताओ लेडी फिंगर लेडी फिंगर में भी हमारा ट्विस्टेड एस्टिवेशन है कॉटन में भी हमारी क्या है ट्विस्टेड एस्टिवेशन है तो इन सब में देखो ऑप्शन कौन सा सही हो गया सी हमारा सही ऑप्शन हो गया क्या इन ये जो फीचर्स दे इनके बाकी एग्जांपल सब याद कर लेंगे क्योंकि सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं क्या यहाँ पे दोबारा से मैं सबका चाइना रोज मेंशन करूं चाइना रोज चाइना रोज इन दोनों में भी क्या होता है हमारा चाइना रोज क्लियर है ये पांचों फीचर हमारे चाइना रोज के हैं सब आपको याद हो गए ठीक है अगला देखो नेक्स्ट देखो एपोकार्पस कंडीशन कहाँ पे देखने को एक तो वर्ड आ गया एपोकार्पस एपोकार्पस का मतलब है कि हमारी कार्पल्स कार्पल्स या पिस्टल क्या है फ्री प्रेजेंट है फ्री फ्रॉम ईच अदर डेट इज एपोकार्पस अगर कार्पल्स हमारी फ्यूज होती है इफ कार्पल्स आर फ्यूज तो बच्चे वो क्या होती है सिन कार्पस होती है सिन कार्पस ठीक है एपो कार्पस के एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे लोटस रोज ठीक है और आपसे अगर मैं बात करूं हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एग्जाम्पल पढ़ा था दैट इज माई शीलिया ठीक है सिन कार्पस का एग्जाम्पल बता दो एक तो हो गया टमेटो जो यहां पे मोर्फोलॉजी के एनसीआरटी में टमैटो मस्टर्ड और एक दो हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ के आए हैं हिबिस्कस चाइना रोज और चौथा कौन सा है पेपेवर ये सारे क्या है सिंह कार्पस है हमसे पूछा गया था एपोकार्पस लोटस में भी होती है रोज में भी होती है ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट ठीक है आगे चले नेक्स्ट वी हैव लेडी फिंगर शोज लेडी फिंगर में कौन सी एस्टिवेशन देखने को मिलती है एनसीआर का एग्जाम्पल डेट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया क्लियर है आगे चले एक्साइल प्लेसेंटेशन इज सीन इन एक्साइल प्लेसेंटेशन का डायग्राम मैंने बनाया था ये देखो ऐसे मल्टीलॉक्यूलर होती है जिसमें हमारे सेप्टम प्रेजेंट है और बीच में हमारे ओव्यूल्स अटैच हैं ठीक है दिस इज एग्जाइल ऐसा सा फीचर किसको काटने को किसको काटे तो देखने को टमाटर काटे टमेटो टमेटो में भी ऐसा होता है लेमन में भी ऐसा होता है और चाइना रोज में भी ऐसा ही होता है ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, बाकी ऑप्शन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों में ही हमारा बेसल प्लेसेंटेशन है बेसल प्लेसेंटेशन के लिए लाइन क्या यूज की गई है कि यूनिलोक्युलर है सिंगल ओव्यूल है और ओव्यूल का हम बेस में प्रेजेंट है डेट इज बेसल प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन ठीक है आगे का क्वेश्चन देखिए पेरियंथ इज द कंडीशन कैलिक्स आपको पता है कोरोला आपको पता है पेरियंथ कहाँ से आ गया पेरियंथ का क्या है जब कैलिक्स और कोरोला को हम डिस्टिंक्ट नहीं बता सकते दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट ठीक है डेट टर्म वी यूज इज पेरियंथ और बच्चे कैलेक्स की सिंगल यूनिट सेपल कोरोला की सिंगल यूनिट पेटल पेरियंथ की सिंगल यूनिट क्या है डेट इज स्टेपल और कैलेक्स कोरोला तो होती है पेरियंथ कौन से फ्लावर में प्रेजेंट है लिलिएसी में प्रेजेंट है लिलिएसी फैमिली में प्रेजेंट है. 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 है लिली में प्रेजेंट है क्लियर है ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा कैलेक्स कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट क्लियर है आगे चलें अगला क्वेश्चन देख लो विच ऑफ द फॉल दिच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफोम फ्लार विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन इसमें आ गई दो टर्म्स एक तो जाइगोम और एक इम्ब्रिकेट जाइगोमिक फ्लार होता है जिसको हम इक्वली टू हाउस में डिवाइड कर सके बाय वन वर्टिकल प्लेन कि सपोज दिस इज शेप ऑफ द फ्लावर जिसको हम सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन में ही टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं डेट इज जाइगोमोर्फिक फ्लावर और इसके लिए सिमेट्री कौन सी हो गई बायोलेचुरल सिमेट्री हो गई बायोलेचुरल सिमेट्री और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन तो मैंने बताया था कि हमारे सेपल हमारे पेटल्स या सेपल्स में ओवरलैपिंग प्रेजेंट है लेकिन क्या है कोई पर्टिकुलर फैशन नहीं है कोई पर्टिकुलर मैनर नहीं है डेट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अब जयगो के एन वाले एग्जाम्पल जल्दी से बता दो हमारा पी और बीन तो हो गया हमारे फेबिसी फैमिली में ठीक है और क्या हो गया गुलमोहर और गुलमोहर के अलावा क्या हो गया केशिया इन सब चारों में ही क्या है जाइगोमोरफिक है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं गुलमोहर पढ़ा है और क्या पढ़ा है केजिया पढ़ा है ठीक है तो यहां पे एग्जाम्पल देखो कैलोट्रोपिस नहीं कहना तो ए फ्लावर फ्लार होता है मस्टर्ड भी नहीं ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंडेड वेलवेट एस्टिवेशन इनमें से किसमें मिलता है बच्चे अब देखो पी में तो हमने बताया था वेगिलरी ठीक है गुलमोहर और केजिया में मैंने अभी जस्ट एग्जांपल्स बताए थे इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस में मिलता है ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी हमारा सही ऑप्शन हो गया लेकिन वेलवेट एस्टिवेशन है क्या जिसमें हमारी कोई भी ओवरलैपिंग प्रेजेंट नहीं होती बिटवीन पेटल्स और सेपल्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्क ठीक है ऑप्शन कौन सा सही है बी हमारा सही ऑप्शन है आगे देखो डाई एडल्फर्स कंडीशन देखो डाई एडल्फर्स कंडीशन है कि हमारे स्टेमिन फ्यूज हैं स्टेमिन हमारे फ्यूज हैं, ठीक है फ्यूज में भी अगर स्पेसिफिकली बोलो तो फिलामेंट्स हमारे फ्यूज हैं और इट फॉर्म्स टू बंचेस दो बंच में या दो बंडल्स में प्रेजेंट है अब आप सोचोगे कि देखो ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन तीनों में ही हमारे दो बंडल्स दिखा रखिये ठीक है लेकिन क्या ये सही बात है नहीं क्यों नहीं टेन तो एकदम गलत हो गया एक तो एक ही सिंगल बंडल दिखाया अब टू एट की बात करो और फाइव प्लस फाइव की बात करें कोई भी ब्रैकेट एंड क्लोजिंग कोई ब्रैकेट है ही नहीं ऐसा नहीं है ये क्या है कि दो फ्री है आठ अलग से फ्री है तो फ्यूजन तो हुआ ही नहीं हुआ कहाँ हमारे इस केस में कि नाइन हमारे फ्यूज हैं एक बंडल बना दिया वन एक अलग से प्रेजेंट है तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा ए ऑप्शन इकलौता सही ऑप्शन क्लियर है डाईडल्फस दो बंडल्स होने चाहिए टू प्लस टू के बाहर ब्रैकेट होती एट के बाहर ब्रैकेट होती तो सही हो जाता क्लियर है तो ये दोनों ही हमारे ये दोनों ही बच्चे हमारे गलत हो गए क्लियर है आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आइडेंटिफाई फ्लोरल पार्ट्स ए टू डी इन द गिवन डायग्राम्स करेक्टली ए बी सी डी जल्दी से बहुत आसान है हमारा एन सी आर टी का डायग्राम है हमारे ए क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कैलिक्स को सिंगल यूनिट इज सेपल काम क्या है प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट फ्लोरल बर्ड स्टेज तो कैलेक्स हो गया ये बी क्या रिप्रेजेंट करे हमारे कोरोला कोरोला बच्चे हमारे जो कलर्ड पेटल्स प्रेजेंट है काम क्या है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स सी बच्चे सी इज देखो ये फिलामेंट हो गया और ये लोब्ड स्ट्रक्चर हो गया ये क्या है हमारे एंड्रोशियम है जिसकी सिंगल यूनिट क्या है हमारी स्टेमिन एंड्रोशियम और ये देखो ये स्वॉलन बेस है दिस इज स्वॉलन बेस और स्टाइल और ये पे स्टिग्मा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गाइनोशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि है क्या हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ठीक है ऑप्शन कौन सा सही है ए हमारा कैलिक्स है बी कोरोला है सी एंड्रोशियम है डी गाइनोशियम है बी हमारा एकदम सही ऑप्शन है क्लियर है आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इन द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट देखो और हमें बताना है कौन से सही है कौन से गलत है इन रेसिमोज इन फ्लोरीसेंस द फ्लार आर बॉर्न इन बेसिपिटल ऑर्डर नहीं अभी बताया था ऑर्डर कैसा होता है एक्रोपिटल होता है रेसिमोज में गलत हो गया एपी गाइनस फ्लार आर सीन इन रोज नहीं एपी कंडीशन होती है इनफीरियर ओवरी इन्फीरियर ओवरी मतलब फ्लोरल पार्ट्स कहाँ से अराइज करेंगे अबव द ओवरी ठीक है और ये देखने को किस में मिलता है एग्जाम्पल्स बताओ एक तो हो गया गुआवा और क्या हो गया हमारा क्यूक्यूम्बर और बच्चे क्या हो गया रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर ऑफ सनफ्लावर ठीक है एपिगाइनस के तो ये एग्जाम्पल थे और रोज बच्चे हमारे फ्लावर कैसा है पेरी गाइनस है अब ये पेरी गाइनस क्या है पेरीगैनस का मतलब है कि ओवरी एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर एट द सेम लेवल्स एंड फ्लोरल पार्ट्स फ्रॉम द टिप ऑफ ऑफ़ द थैलेमस तो रोज हमारा पेरीगैनस है पेरी गाइनस के और एग्जांपल्स प्लम पीच और एक क्या है रोज ये हो गए तो ये भी हमारी क्या हो गई गलत हो गई और थर्ड स्टेटमेंट देखो थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं इन ओवरी सुपीरियर बिल्कुल सही बात है ओवरी सुपीरियर है तो फ्लार कैसा है हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस है और हाइपोगाइनस के लिए मैंने याद करने का एक तरीका बताया था हमारी पिछली वीडियो में जो कि क्या था चाइना मस्ट ब्रिंग हिप्पो इसको याद इससे कैसे याद कर लोगे चाइना से चाइना रोज हो गया जिसमें हाइपोगाइनस है मस्ट से मस्टर्ड हो गया ब्रिंग से ब्रिंजल हो गया और हिप्पो से हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस तो फ्लावर के एग्जाम्पल चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल तो ऑप्शन बता दो कि हमारे वन और टू क्या है फॉल्स है वन एंड टू आर फॉल्स एंड थ्री इज ट्रू ऑप्शन सी क्या हमारा सही है क्लियर है आगे चले आगे देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पेटल ए बी सी ए बी सी के पेटल बता दो देखो ए बच्चे क्या है एज A ए A क्या स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड जो लार्जेस्ट पैटल है दूसरा नाम क्या था वैगिलम एस्टिवेशन कौन सा है जल्दी बताओ एस्टिवेशन कौन सा है एस्टिवेशन एस्टिवेशन बी क्या है हमारी लेटरली विंग्स है जो एंक्लोज की होती है सी डेट इज कील कील का दूसरा नाम कैरना था ईयर क्वेश्चन था हमारा और विंग्स का नाम था एले ये सारी चीजें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं आप देखो हुआ क्या ए स्टैंडर्ड वैक्सीलम ठीक है ए क्या है स्टैंडर्ड वैक्सीलम यहाँ पे बी हमारी विंग्स है दिस सी हमारा कील है ऑप्शन कौन सा सही है सी हमारा एकदम सही ऑप्शन है क्लियर है आगे चलें आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ गाइनोशियम इन द गि फिगर हमें पोजिशन ऑफ गाइनोशियम के बेस पे हमें बताना है ये कौन सा फ्लावर है देखो एक होता है हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस का मतलब है कि हमारे सारे फ्लोरल पार्ट बिलो ओवरी से ओराइज कर रहे हैं ओवरी या गाइनोशियम क्या है सुपीरियर है देखो हमारी ओवरी एकदम सुपीरियर है और इसके नीचे से हमारे बाकी अराइज कर रहे हैं। तो ये कौन सी हो गई हमारी हो हो गई गई सुपीरियर ओवरी हो गई। क्या इसमें कोई डाउट है इस डायग्राम में कोई डाउट है सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस फ्लावर मतलब गाइनोशियम के नीचे से हमारे हाइपोगाइनस क्लियर है आगे देखो बी और सी देखो बी और सी में देखो कि ये पार्ट ऑलमोस्ट हमारी ओवरी और बाकी फ्लोरल पार्ट सेम लेवल पे हैं तो इस चीज को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर बी और सी के लिए हाफ इंफीरियर ओवरी है मतलब ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं और हमारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज करते हैं फ्रॉम द रिम ऑफ थैलेमिस ठीक है तो इस फ्लावर को हम कहते हैं पेरीगैनस पेरीगाइनस एग्जाम्पल मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुकी हूँ ठीक है अब डी को देखो डी को लेके कहा जाता है कि हमारा फ्लार कैसा है एपीगाइनस में हुआ क्या कि ने एनक्लोज कर लिया है ओवरी को और हमारे फ्लोरल पार्ट्स अराइज करते हैं अब द लेवल ऑफ ओवरी तो डेट इज एपीगापल क्या था अगवा क्यूक्यूम्बर रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और हमारी ओवरी कैसी है इंफीरियर ओवरी है क्लियर है ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा ए इज बी इज पेरीगाइनस सी इज ऑल्सो पेरीगाइनस एंड डी इज एपी ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे हमारा सी ऑप्शन सही हो गया द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज एंडोस्पम इज कंज्यूम्ड बाई डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंडोस्पर्म कंज्यूम हो चुकी है बाय एम्ब्रियो इसका मतलब क्या है कि हमारे मैच्योर सीड में क्या एम्ब्रियो प्रेजेंट होगी नहीं होगी कंज्यूम हो चुकी है नो no एंडोस्पर्म हमारी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगी और ऐसे सीड्स को हम क्या कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड अभी मैंने बात की थी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और इनमें से बच्चे बता दो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा है एक तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि मोस्ट ऑफ द डाइकॉड प्लांट्स जो हमारे जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं एक्स एंडोस्पर्मिक होते हैं या नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं एक तो तरीका यही हो गया उसका उसका एक्सेप्शन है हमारा कैस्टर ठीक है मोस्टली हमारे डाइकोट्स और जो हमारी एन सी आर टी में मैंशन है द एक्सेप्शन इज कैस्टर क्लियर है अब देखो इनमें से अगर हम पहचाने तो मेज और कोकोनट तो हमारे मोनोकोट्स में आ गए तो ये तो हो नहीं सकती ये दोनों ही क्या है एंडोस्पर्मिक है मेज में तो लेयर ये सब डायग्राम भी गिवन है और कोकोनट का तो हम पढ़ते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है ठीक है आगे देखो पी और कैस्टर में आप दो आपको पता है कि दोनों हमारे डाइकोट्स हैं लेकिन कैस्टर क्या के है हमारा एक्सेप्शन है कि इवन दो ये डाइकोट है पर यह है क्या एंडोस्पर्मिक है तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बच्चे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया क्लियर है अगला क्वेश्चन देखें इन द मोनोकोटिलिडन सीड्स द एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय अ डिस्टिंक्ट लेयर नोन एज देखो हमारी एंडोस्पर्म सेपरेटेड होती है एम्ब्रियो से कैसे क्योंकि उसके पास एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है आउटर प्रोटीन प्रोटीनेशियस लेयर को वो प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है इन एंडोस्पर्म और उस लेयर को बच्चे क्या कहते हैं द नेम इज एल्यूरोन लेयर ऑप्शन बी क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया अगर बाकी ऑप्शन की मैं बात करूँ टेस्टा और टेगन टेगमेन है क्या ये सीड कोट है आउटर टेस्टा इनर टेगमन तो ये दोनों ही क्या हो गए गलत हो गए क्लियर है आगे चले अगला क्वेश्चन देख लो इन अ सीरियल ग्रेन से एक तो समझ आ गया मोनोपोट सीड क्यों मोनोकोट सीड क्योंकि सीरियल्स कौन सी फैमिल से फैमिली से बिलोंग करते हैं पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये है क्या एक मोनोकोट सीड की बात हो रही है ठीक है सिंगल कॉटलीडन ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड देखो मोनोकोट क्यों टर्म आया था मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिंगल कॉटलीडन ठीक है अब जो ये सिंगल कॉटलीडन प्रेजेंट होता है इसका नाम क्या है बच्चे स्क्यूटेलम स्क्यूटेलम तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया क्लियर है आगे चले ये बच्चे किसका डायग्राम है जल्दी से बता दो इसमें क्या आप देख सकते हो कि सिंगल कॉटेलिडन है ठीक है ये जो हमारा डायग्राम है दिस इज ए मोनोकोट सीड ये एक हमारे मोनोकोट सीड का डायग्राम है ठीक है अब इसमें से बता दो ये है क्या ये लेबलिंग करनी हमें और बहुत आसान है कुछ मुश्किल नहीं है अगर हम करें तो बी क्या है दिस पार्ट ये क्या है बच्चे ये जो पूरा पार्ट है ये है हमारी न्यूट्रिएंट रिजर्व जो कि है एंडोस्पर होती क्या है इन नेचर होती है बनती कैसे मेल सेंट्रल न्यू, सेंट्रल सेल के जो हमारे फ्यूज करके मतलब ट्रिपल फ्यूजन से हमारी एंडोस्पम बनती है क्लियर है और जो ये इसकी आउटर लेयर प्रेजेंट है जिसको ए से रिप्रेजेंट किया है दिस प्रोटीन रिच लेयर ये बच्चे हैं हमारी एल्यूरोन ठीक है ये समझ आ गया अब हम कहते हैं कि हमारा एम्ब्रियो सिचुएटेड होता है इन आ कॉर्नर इन मोनोकोट सीड जिसमें हमारा दिस इज दिस इज कॉटिलेडन और ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें जो हमारा प्ल्यूम्यूल की शीट होती है उसको क्या कहते हैं बच्चे सी दैट इज कोलियोप्टाइल ठीक है और अगर मैं बात करूं जो रेडिकल की शीट होती है उसको क्या कहते हैं कोलियोराइजा कोलियोराइजा क्लियर हो गया अब इसी के लेबलिंग करके बता दो ए हमारा क्या है एल्यूरोन लेयर है बी हमारी एंडोस्पर्म है सी कोलियोपटाइल और डी कोलियोराइजा ऑप्शन कौन सा सही हो गया ऑप्शन ए सही हो गया हमारा डायग्राम बीस एनसीआरटी बीस क्वेश्चन था क्लियर है ये हमारा मोनोकोट सीट था ये क्या है ये हमारा डाइकोट सीड है ए बी सी हमें बताना है क्या ए क्या है बच्चे? देखो एक ये और एक और ये।, ये दोनों हैं क्या? है। तो ए हमारा क्या हो गया दिस इज एज कॉटलीडन ठीक है हम कहते हैं कि हमारे एम्ब्रियो में क्या प्रेजेंट होता है एक हमारा एम्ब्रियो में कॉटिलिडन होता है और एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है दिस इज डाइकोट एम्ब्रियो ठीक है अगर एम्ब्रियो प्लस सीड कोड करते तो क्या बन जाएगा सीड बन जाएगा अब इसमें ये हमारे कॉटिलिडन हो गए हमारी ये वाली चीज एम्ब्रियोनल एक्सेस है जिसमें बी क्या है प्लूम्यूल है जो किसको डेट अराइज डेट फॉर्म शूट लिखते हैं ना शूट अराइजेस फ्रॉम द प्लूम्यूल इन अ जर्मिनेटिंग सीड और सी बच्चे क्या है हमारी रेडिकल है और रेडिकल से बनेगा क्या हमारी रूट बनेगी क्लियर हो गया अब इसी में बता दो कौन सा ऑप्शन सही है ए देखो ए स्टोर फूड कह सकते हैं है क्या हमारा फूड रिजर्व है जो सीडलिंग को चाहिए ग्रोथ के टाइम पे जर्मिनेशन के टाइम पे ठीक है बी हमारा प्लूम्यूलेडर गिव्स राइज टू शूट सही है सी बच्चे गिव्स राइज टू रूट सी है क्या हमारा रेडिकल है क्या ये क्लियर है ठीक है अगले क्वेश्चन पे चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लॉरिंग प्लांट्स जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है जो फैमिलीज हैं वहां से हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देख लो ये जो फॉर्मूला हमारा फ्लोरल फॉर्मूला में यूज होता है इसका क्या मतलब है एक एक करके ब्रेकअप करते हैं, जी दिखाता है हमारे गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है है क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है? अब जी ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है और जी ऐसे प्रेजेंट हो, हो सकता है अब ये क्या रिप्रेजेंट करते है देखो गाइनोशियम हमारी लाइन के ऊपर लिखा है तो ये है कौन सी सुपीरियर ओवरी ठीक है दिस इज सुपीरियर ओवरी मतलब समझ आ रहा है ठीक है अब आगे देखो अगर मैं नेक्स्ट में देखू तो हमारी लाइन के नीचे लिखा है जी तो ये जी क्या है गाइनोशम ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है इनफीरियर ओवरी इनफीरियर ओवरी और हमारे साइड में लिखा है ये क्या है हाफ इंफीरियर ओवरी हाफ इंफीरियर ओवरी ये समझ आ गया होगा अब आगे देखो इतना क्लियर हो गया इसके बाद बच्चे G2 ऐसे कंडीशन हो सकती है और G2 ऐसे कंडीशन होते कर रहा है बाई कार्पलरी ठीक है और अगर हमारे ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है तो आपको बता पता है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है तो अगर दो कार्पल्स फ्यूज हैं तो वो कंडीशन कौन सी है सिंह कार्पल से और अगर यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है तो दो कार्पल्स हमारी फ्री हैं तो कौन सी कंडीशन है एपो कार्पस है। यही से समझ आ गया अब आप जल्दी से बता दो जी तो गाइनोशियम हो गई ठीक है बच्चे आगे देखो बाई कार्पलरी हो गई ये भी ठीक है कोई मुश्किल की बात नहीं है अब इनमें से सिन कार्पस है यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है ना तो होना क्या चाहिए सिंह कार्पस होना चाहिए ठीक है और हमारे लाइन के ऊपर जी लिखा है वो क्या है सुपीरियर है तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया ठीक है यहाँ इंफीरियर नहीं इंफीरियर ठीक है इंफीरियर होता तो हमारे क्या है जी के लाइन के नीचे जी होता कौन सी कंडीशन होती ये होती इन्फीरियर ओवरी ये क्या है सुपीरियर ओवरी क्लियर है आगे चलो इन फ्लोरल फॉर्मूला के और सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे बहुत आसान क्वेश्चन है के है हमारे कैलिक्स और सी है हमारे कोरोला और अगर के फाइव लिख देती हूँ तो मतलब क्या है कि पांच सेपल हैं और अगर ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ तो पांच सेपल हैं पर फ्यूज हैं ठीक है, है? गैमो सैपलिस है और कोरोला की बात कर देती हूँ कोरोला फाइव लिख दिया है तो पांच पेटल्स हैं फ्रीली प्रेजेंट हैं अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो पांच पेटल हैं फ्यूज हैं गैमो पैटलिस क्लियर है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा के से कैलिक्स सी से कोरोला, ओके okay. आगे चले फिर से फ्लोरल फॉर्मूला से क्वेश्चन है ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है ये देखो ये हमारे क्या हो गए मेल ठीक है, मेल फ्लार दिखा रहे सिर्फ मेल फ्लार अगर ऐसे होता तो हमारे बोथ दिखाते ठीक है सिर्फ एक दिखाया है, मतलब इसके पास फीमेल प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या यूनि ठीक है क्लियर हो गया आगे देखो बी अगर इस कंडीशन की बात करूं दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक कौन सा रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल से जल्दी से रिवाइज कर लो एग्जांपल क्या थे एक्टिनोमॉर्फिक के बताओ दैट इज मस्टर्ड धतूरा चिल्ली ठीक है एक्टिनोमॉर्फिक और अगर इसकी मैं बात करूं या मैं इसकी बात करूं ये क्या है जयगोमोरफिक है बायोलेटर क्या है सिमेट्री है पी बीन गुलमोहर केज या एग्जाम्पल्स आप जल्दी से यहाँ पे बता दो ए तो हमारा यूनिसेक्सुअल हो गया बी क्या हो गया एक्टिनोमॉर्फिक हो गया और सी क्या हो गया जाइगोमोर्फिक हो गया ऑप्शन बी हमारा सही हो गया अगला देखो टबैको एंड पिटूनिया बिलोंग्स टू द फैमिली टबैको पिटूनिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है एकदम फैमिली से ठीक है आगे चलते द प्लांट हैविंग स्टेम स्टेम मैं पहले भी देखो डायडल्फस हमारे एग्जांपल्स में पहले भी आ चुका है कि हमारे स्टेमन फ्यूजन में है और कैसे है कि दो बंचेज बना रहे हैं और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा था पी में ठीक है और पी किससे बिलोंग करती है फेबीसी फैमिली से क्लियर है तो इसका आंसर क्या हो गया बी बिल्कुल सही हो गया और चाइना रोज को लेके हमने एंड्रोशियम में एक एग्जाम्पल पढ़ा था मोनो एडल्फस कि अगर हमारे स्टेवन फ्यूज हो होके सिंगल बंस सिंगल एडल्फस सिंगल बंस सिंगल, सिंगल बंडल बनाते हैं डेट कंडीशन इज मोनो एडल्फस सिंगल बंडल बंडल क्लियर है आगे चलो नाइट शेड फैमिली बहुत आसान है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल प्लांट इनमें से कौन सा हमारा मेडिसिनल प्लांट है एनसीआरटी बेस्ड है अश्वगंधा हमारा मेडिसिनल प्लांट है दिस इज मेडिसनल प्लांट ठीक है अगर एक प्लांट कौन सा है ब्रिंजल है पिटूनिया ये हमारे ब्रिंजल पिटूनिया अश्वगंधा तीनों ही कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चे फैमिली से बिलोंग करते क्लियर हो गया आगे चले बहुत आसान क्वेश्चन है बाई कार्पलरी, सिन ओ, बाई कार्पलरी सिन विद एक्साइल प्लेसेंटेशन कौन सी फैमिली में देखने को मिलता है अगर इसको मैं देखा हूं फ्लोरल फॉर्मूला में इस लाइन से तो जी तो गाइनोशियम हो गया बाई कह रहे है।, कार्पस है, मतलब फ्यूजन है और हमारी क्या है प्लेसेंटेशन उसको नहीं दिखा सकते पर ये कंडीशन हमारे इसमें लिखा नहीं है सुपीरियर ओवरी पर ये कंडीशन हमारी कौन सी फैमिली में फैमिली में ऑप्शन कौन सा सही है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है क्लियर है आगे ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफ़ इनमें से सोलनेसी का ऑर्नामेंटल प्लांट कौन सा है पिटूनिया है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आगे चलो फ्रूट ऑफ सोलनेसी फ्रूट ऑफ सोलनेसी बच्चे एक्साइल प्लेसेंटेशन से हमारे जो बाई कार्पलरी सिंह कार्प एक्साइल प्लेजेंटेशन से ओवरी कौन सा फ्रूट बना, तो बना सकती है या तो बेरी बना सकती है या कैप्सूल बना सकती है ए इज द राइट आंसर ड्रुप हमने कहाँ पढ़ा था ड्रुप तो बच्चे हमारे मैंगो और कोकोनट में होते है और पोम कहाँ पढ़ा था पोम हमारा एक फॉल्स फ्रूट है दिस इज फॉल्स फ्रूट जो कि हमारे एप्पल में देखने को मिलता है ड्रुप हम पढ़ चुके हैं मैंगो और कोकोनट और लेग्यूम और पोड हम फेबेसी फैमिली में पढ़ते हैं लेग्यूमिनस प्लांट नाम का ही खेल है सब नाम से ही पता चल जाता है आगे चलो अगले क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ लिलिएसी इनमें से लिलिएसी के फ्लोरल कैरेक्टर बता दो लिलिएसी देखो एक हमारे बात कहते हैं ट्राई फ्लावर ट्राई ठीक है तो मोस्टली हमारे जो फ्लोरल वर्ल्ड जो है हमारे वो तीन के मल्टीपल में एग्जिस्ट करते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं लिलियसी उसमें हमारे क्या कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट है नहीं पेरियंथ प्रेजेंट है पेरियंथ ठीक है तो पेरियंथ क्या है टेपल्स प्रेजेंट हो गए कितने ठीक है ये क्लियर हो गया हमारा फ्लावर कैसा होता है होता है ओके okay. तो अब या इतने से देखते हैं और आगे देखते हैं कितना बनेगा हो गया एक्टिनोमॉर्फिक होता है रेडियल सिमेट्री होती है बिल्कुल सही बात है हमारी पोले एंड्रस कंडीशन पोले एंड्रस होती है लेकिन ध्यान देना है क्या एपीफिल कंडीशन है एग्जाम्पल पढ़ चुके एपीफिल किस में होता है लिली में होता है सही बात है सुपीरियर ओवरी रहती है और एक्साइल प्लेसेंटेशन ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है अगर मैं एलिमिनेट करती चलूं तो एलिमिनेट में देखो एक तो यूनिलोक्युलर ओवरी एक्साइल प्लेसेंटेशन हो ही नहीं सकता एक्साइल में क्या मल्टीलोक्युलर ओवरी होती है गलत हो गया ओके यहाँ पे देखो इनफीरियर ओवरी लिखा है लेकिन हमें पता लीली में क्या होता है सुपीरियर ओवरी होती है और

द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट प्राइमरी रूट देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी की ही लाइन कह रहा है कि प्राइमरी रूट है और उससे ब्रांचेस है या मैं कहूँ लेटरल ब्रांचेस है टर्शरी या सेकेंडरी ऐसे और ये कौन सा सिस्टम होता है टैप रूट सिस्टम होता है कौन से हमारे प्लांट्स में होता है डेट इज में ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया अगले देख आगे देखो फाइब्रस रूट सिस्टम फाइब्रस रूट सिस्टम यू नो फाइब्रस रूट सिस्टम हमारे मोनोकोट्स में और मोनोकोर्स में भी बच्चे वीट, ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है मोनोकोट्स को अगर मैं याद दिलाऊं तो हम क्या पढ़े थे कि हमारी जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लीव्ड है और बेस ऑफ स्टेम से हमारी रूट डेवेलप फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है वो रूट जो रेडिकल के रेडिकल से प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होती है और ऐसा रूट सिस्टम जहां रेडिकल के अलावा कहीं से अगर रूट्स बन रही है तो वो कौन सी होती है बच्चे हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती है जैसे कि ये कहा देखने को मिलते हैं हमारे ग्रासेस में ग्रास में मॉन्स्टेरा में बेनियन ट्री में हमारे मेज में इन सब में कैसी होती है हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती है ठीक है अगला क्वेश्चन देखो रूट हेयर्स फ्रॉम रूट हेयर्स कहाँ से डेवेलप करते एक तो क्लियर बात थी हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन ठीक है रीजन ऑफ मैचुरेशन से लेकिन अगर मैं बात करूं कौन से सेल से एपिडर्मल सेल से एपिडर्मल सेल हमारे एपिडर्मल सेल की इलांगेशन होती है हमारे रूट हेयर्स और होते कैसे यूनिसेलुलर होते हैं फंक्शन क्या है कि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे हमारी एब्जॉर्बन ऑफ वाटर और मिनरल होता है ऑप्शन कौन सा सही है ए बिल्कुल सही ऑप्शन ठीक है आगे चले रूट का टॉपिक हम कर चुके हैं ये रीजन ऑफ रीजन ऑफ रूट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ईजी होगा आपके लिए क्वेश्चंस क्वेश्चन करना द पार्ट ऑफ रूट विच इज मोस्ट एक्टिव इन वाटर एब्जॉर्शन अब देखो वाटर एबजॉर्प्शन में हमारे रूट हेयर्स हेल्प कर रहे थे और रूट हेयर्स हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं रीजन ऑफ मैचूरेशन या मैचुरेशन जोन ऑप्शन कौन सा सही है बी बिल्कुल सही ऑप्शन अगर मैं बात करूं जोन ऑफ एलोंगेशन क्या फंक्शन था लेंथ इंक्रीज करने में रूट लेंथ इंक्रीज करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारा जोन ऑफ एलोंगेशन मेरिस्टमेटिक जोन में मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी है तो हमारी सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग है रूट क्या क्या है हमारे जो मेरिस्टेमेटिक जोन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एंकरिंग में हेल्प करता है तो ये तीनों ही अलग हो गए हमारा एब्जॉर्प्शन का मेन रोल किसका है मैचुरेशन जोन का है आगे चलो रूट डिफर्स फ्रॉम स्टेम हमारी रूट स्टेम से कैसे डिफर करते हैं इन हैविंग ठीक है नोड्स और इंटरनोड्स होती है रूट्स के पास नहीं किसके पास होती है स्टेम के पास होती है गलत एक्सिलरी बर्ड कहाँ है स्टेम में प्रेजेंट है नोट्स पे प्रेजेंट है गलत हो गया मल्टी सेलुलर हेयर्स किस ये किसके होते ट्राइकोम्स होते जो हमारे मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया ऑप्शन कौन सा सही है डी बिल्कुल सही ऑप्शन है यूनी सेलुलर रूट हेयर्स होते हैं किसके इलोंगेशन है एपिडर्मल एपिडर्मल सेल से हमारे अराइज होते है. कौन से जोन से

हमारे स्टेम का वो रीजन जहां पे लीव्स अराइज होती हैं बहुत आसान नोट्स पे अराइज होती हैं वाइल्ड डैश आर द पोर्शन बिटवीन टू डैश और बच्चे अगर मैं यहाँ पे नोट्स की बात करती हूँ सपोज दिस इज नोट यहाँ पे नोट्स हैं और नोट्स पे क्या अराइज हो रही हैं लीव्स अराइज हो रही हैं ठीक है और दो नोड्स के बीच का स्पेस जो रीजन है वो क्या कहलाता है इंटर नोड्स कहलाता है ठीक है तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया नोड्स इंटर नोड्स एंड नोड्स ऑप्शन बी हमारा सही हो गया ठीक है द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ विद वेन एंड वेनलेस पार्ट ऑफ लीफ की बात हो रही है तो क्या जल्दी से हम एक डायग्राम बना लें सपोज ये हमारा डायग्राम ठीक है ये हमारा लीव का एक रफ सा डायग्राम है यहाँ पे लेबलिंग में मुझे हेल्प कर दो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव क्या होता है लीव बेस होता है ठीक है स्टॉक ऑफ लीव बच्चे क्या होती है पिटियोल होती है और हमारा एक्सपेंडेड पार्ट क्या है डेट इज लेना तो यहाँ पे आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा कि ये जो वेन्स हैं ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट हैं? हमारे लेमिना में प्रेजेंट है ऑप्शन डी सही है सी ऑप्शन देखो सी स्टिप्यूल्स है स्टिप्यूल्स बच्चे था क्या स्टिप्यूल्स आर टू लेटर लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन लीफ बेस और हमारे कई बार क्या है एक्सिलरी बर्ड भी प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे क्लियर हो गया लेमिना क्या है वेन्स और प्रेजेंट होती हैं और इसका फंक्शन क्या है वेन दूसरा क्या है? रिजिटी, रिजिटी करता है हमारी लीव को ताकि वो एक्सपोज रहे तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है डी हमारा सही ऑप्शन है ठीक है आगे देख लो लीव्स ऑफ प्लांट्स प्लांट डैश प्लांट डे

अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज फाउंड इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कौन से प्लांट्स में मिलती है न्यूमोनिक्स मैंने बताया था कि चाइना में सन अल्टरनेट डे आता है अल्टरनेट डे आता है ठीक है अगर किसी के पास कोई और न्यूमॉनिक्स है या ऐसे ही याद है बिल्कुल ठीक है अगर याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से याद कर सकते हैं चाइना से चाइना रोज हो गया मे से मस्टर्ड हो गया सन से सनफ्लावर हो गया और अल्टरनेट डे आता है अल्टरनेट फाइलोटेक्सी और इन सब में देख लो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा ऑल ऑफ दीज सारे में ही ठीक है आगे चले ट तो क्या था एक नोट पे एक ही लीव अराइज करेगी जैसे कि इस एक नोट पे ऐसे इस टाइप का अरेंजमेंट होगा ठीक है क्लियर है आगे चले आगे देखो कौन सी सिमिट्री की बात करें रेडियल सिमिट्री की बात कर रहे हैं रेडियल सिमिट्री ऐसा फ्लार जहां पर रेडियल सिमिट्री मिलती है अगर मैं ऐसे बताऊ कि किसी भी प्लेन से उसे अगर हम सेंटर से डिवाइड करें तो इक्वल हाफ्स में टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो दिस इज रेडियल सिमेट्री और हमारा फ्लार कैसा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लार है और एग्जाम्पल क्या था एक्टिनोमॉर्फिक का धतूरा मस्टर्ड चिल्ली एग्जाम्पल्स याद रखने हैं टर्मिनोलॉजी याद रखनी है डेफिनेशन याद रखनी है डायग्राम याद रखना है मॉर्फोलॉजी आपका अप हो जाएगा क्या चीजें टर्मिनोलॉजी उसका डायग्राम मतलब, मतलब और उसके एग्जाम्पल ये चार चीजें याद रखनी है कहीं भी आपके पास कोई भी टर्म आती है क्लियर है आगे चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट एसोसिएटेड विद गाइनोशियम इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर गाइनोशियम का नहीं है पहले तो गाइनोशियम का डायग्राम ठीक है ये हमारा डायग्राम हो गया अगर मैं बात करती हूँ बेसल स्ट्रक्चर क्या है ओवरी है उसकी जो कनेक्ट स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कौन करता है ट्यूब लाइक सिलेंडर स्टाइल और रिसेप्टिव पोर्शन फॉर पोलन पोलन कहाँ आके जर्मिनेट करेगा हमारे स्टिग्मा पे ऑप्शन कौन सा सही है हमारे यहाँ पे कहीं भी फिलामेंट नहीं है क्यों फिलामेंट और एंथर ये किसका पार्ट होते हैं स्टेमिन का पार्ट होते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही है डी हमारा सही ऑप्शन क्लियर है आगे चले ड्यूरिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीरियड फर्टिलाइजेशन हो चुका है ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू ए एंड ओवरी मैच्योर इनटू बी ओव्यूल्स क्या है ए में डेवलप कर जाते हैं ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं सीड बनाते हैं और ओवरी मैच्योर मैच्योर ओवरी राइपेंट ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स फ्रूट ये तो एकदम बेसिक चीज है और ऑप्शन कौन सा सही हो गया हमारा ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया ठीक है आगे चले अस्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड्स आर अटैच टू फ्रूट वो स्थान से हमारा ऑप्शन क्या है सी हमारा सही है और अगर माइक्रोपाइल की बात करूँ तो माइक्रोपाइल हमारा पोर है अब हाइलम जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है एब्जॉर्न ऑफ वॉटर होता है ड्यूरिंग जर्मिनेशन और टेस्ट और टेगमेंट क्या है सीड कोट क्लियर है चारों चीजें क्लियर है आगे चले विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कर इनमें से हमें बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ठीक है ई स्टेटमेंट रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही बात है कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड एन एंथर होता है स्टॉक या फिलामेंट कहूँ बिल्कुल सही बात है कैन बी प्लेन यही तो रेडियल किसी भी प्लेन से हम उसे दो इक्वल हाउस में डिवाइड कर सकते हैं सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन हाइपोगापीरियर ओवरी हाइपोगार ओवरी एपीगनस फ्लॉर हाफ इनफीरियर ओवरी पेरीगैनस फ्लार

ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ एपीफिलिस एपीफिलिस बच्चे था क्या एपीफिल को हो या को एपी जहाँ पे हमारे स्टेमस अटैच होते हैं पेरियंत से या टेपिल से और पेरियंत किस में था लिली में था एग्जाम्पल इसका क्या है लिली है क्या आपको याद रहेगा हमसे इनकरेक्ट पूछा था डी हमारा सही ऑप्शन हो गया आगे चलो को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। is out, world होती है and unit क्या होती है? होती होती <coughs> क्या आई एम सॉरी हैं ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जब फ्लावर हमारे बर्ड स्टेज में होते हैं तब तो उसको प्रोटेक्शन हेल्प करते हैं तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है आगे चलो द कैलेक्स में भी गैमोसेपल्स कैलेक्स गैमोसेपलिस हो सकती है ब्रैकेट में लिखा है सेपल्स फ्री गलत सेपल्स फ्री है तो कौन सा होना चाहिए पोलिसेपलिस गैमोसेपलिस का मतलब क्या है सेपल्स हमारे फ्यूज्ड है क्या ये लाइन क्लियर है तो ये हमारे हो गया गलत हमसे पूछा था करेक्ट हमारा ए और बी दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन कौन सा है डी हमारा सही ऑप्शन आगे चलो

वेन द वेन लेट्स फॉर्म आर नेटवर्क जब हमारे मेनलेट्स नेटवर्क फॉर्म करते हैं तो वेनेशन कैसी होती है रेटिकुलेट वेनिशन होती है सही बात है ठीक है ये तो स्टेटमेंट सही होगी गई वेन द वेनलेस रन पैरल टू ईच अदर विद इन लेमिनर दिशन इज कॉल्ड टर्म एस पैरल वेनेशन तो हमारी क्या होती है पैरल वेनिशन होती है इनमें से करेक्ट बच्चे कौन से हो गया हमारा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन सी हमारा सही हो गया ठीक है आगे प्लेसेंटेशन ही बता देती हूँ दोबारा से होती क्या है ये हमारी वॉल हो गई हमारे ओव्यूल्स कहाँ पे पेरीफ्रल में प्रेजेंट होंगे ठीक है ऐसे पेरिफ्रल में प्रेजेंट होंगे ठीक है ओके okay? और होता क्या है कि हमारे ओव्यूल्स पेरिफेरल में प्रेजेंट हैं और कई बार यहाँ पे फॉल जाता है और फॉल सेप्टम की वजह से जैसे अगर यहाँ पे फॉल सेप्टम बन गया तो हमारी ओवरी क्या है टू लॉक्यूल्स बाई लॉक्यूलर दिखाई देती है। क्लियर है दिस इज पेराइटल प्लेसेंटेशन और देखने को किस में मिलती है मस्टर्ड में मस्टर्ड ब्रेसिकीसी और आरजीमोन में ठीक है आप चलो ऑप्शन की तरफ जिसमें हमसे पूछा गया है कि नॉट ट्रू बताना है क्लियर है अब देखो आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस नहीं कहा इनर वॉल ऑफ ओवरी गलत ओवरी इज वन चैम्पर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम फॉल्स सेप्टम की वजह से क्या टू चैम्बर दिखती है तो ये क्या हो गया सही हो गया examples are mustard and are are mustard के examples है, ये सही बात है हमसे पूछा था कौनसी statement not true है ये दोनों तो सही होगी not true is <coughs> option a clear है आगे चलें which one of the following characteristic is not related to gynoecium? gynosium को लेके कौनसी statement सही नहीं है not related to ठीक है it is the female reproductive part of the flower

मोर ऑव अटैच टू अट क्वेश्चन लाइकेंटा हमारे ऑब्स कहा स्टेटमेंट भी सही है पूछा हमसे गया था कि इन करेक्ट ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी हमारा सही ऑप्शन हो गया आगे चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इज और आर नॉट करेक्ट कौन सा पूछा गया है इन करेक्ट पूछी गई है चीजें स्टेटमेंट देखेंगे कैलेक्स कोरोला आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लार कौन से होते हैं हमारे कैलेक्स और कोरोला गलत हो गया जाइगोमॉर्फिक फ्लार कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन नहीं किसी भी प्लेन में काटे और दो इक्वल हाफों कौन से होते हैं रेडियल सिमिट्री होती है एक्टीनोमार्फिक होती है गलत है फ्लॉर्स विदाउट ब्रेक्ट आर टर्म एज ब्रेक्टीएट नहीं बिना ब्रेक्ट के फ्लॉर्स को ई ब्रेक्टिएट कहते हैं अगर ब्रेक्ट प्रेजेंट है लीफ लाइक ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो डेट तो इज ब्रेक्टिएट यहाँ पे लिखा है विदाउट ठीक है गलत हो गया पार्थिनो कार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं डेट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन गलत इन लेग्यूम सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक हमारे लेग्यूम्स में सीड कैसा होता है नॉन एंडोस्पर्मिक होता है रेडिकल बर्ड्स डेवलप ऑन रूट्स दोनों ही स्टेटमेंट क्या है सही है रूट्स पे अगर बर्ड्स है तो डेट इज रेडिकल बर्ड्स जो कि रेयरली होता है नॉर्मली नहीं होते हमारे रूट्स पे प्रेजेंट और लेग्यूम्स में सीड्स क्या है नॉन एंडोस्पर्मिक है ऑप्शन बच्चे हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारे नॉट करेक्ट है ऑप्शन ए हमारा सही क्लियर है आगे चलें फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लीफ लीफ को लेके करेक्ट स्टेटमेंट बता दो लीफ इज लेटरल जनरली फ्लैटन स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेप हमारे स्टेम पेटर लेटरल जनरल फ्लैटन स्ट्रक्चर क्या होता है लीफ होती है सही बात है ठीक है इट डेवलप एट द नोड नोड पे और बी हमारे बड प्रेजेंट होता है एक्सल में ये भी सही चीज है लीफ का स्ट्रक्चर बताया था ना अभी सारी स्टेटमेंट्स वहीं से रिलेट कर लो लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम रूट एपिकल एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ना गलत बात एक्रोपिटल सक्सेशन में होती है लेकिन रूट एपिकल मेडिस्टम से ओरिजिनेट नहीं होती किससे होती है? शूट एपिकल मेडिस्टम से तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई गलत हो गई दे आर मोस्ट्रोडक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन नहीं रिप्रोडक्शन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है फ्लावर फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लीव्स तो बच्चे क्या है हमारी इंपोर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस तो इसमें बच्चे हमारी करेक्ट कौन सी हैं फर्स्ट और सेकंड हमारी करेक्ट हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन ए हमारा सही होगा क्लियर है आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन इनमें से स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ सही आंसर कौन सा है इट इज दरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द्रांच किसकी बात कर रहे पैटर्न ऑफ लीव ऑन द अरेजमेंट ऑफ पैटर्न ऑफ लीव ऑन द स्टेम और ब्रांच किसकी बात लो टैक्सी फाइलो लीव टैक्सी मतलब अरेन्जमेंट इशारा किसकी तरफ कर रहा है ठीक है इट इज यूजअली थ्री टाइप्स अल्टरनेट फाइलोटैक्सी अपोजिट फाइलोटैक्सी वर्ल्ड फाइलोटैक्सी फाइलोटैक्सी की बात कर रहे हैं ठीक है इट इज मेंट फॉर गेटिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ये अरेंजमेंट क्यों है अगर इसका सिग्निफिकेंस देखिए ताकि हमारा एक अरेंजमेंट सेटअप हो सके प्लांट से कि हमारी प्रॉपर सनलाइट मिले सभी लीव्स को तो ये भी सही है और ये किसको लेके स्टेटमेंट है फाइलोटैक्सी ऑप्शन ए क्या है सही ठीक है आगे चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इमेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन कॉटन क्या ये सही है देखो कॉटन के लिए मैंने बताया था चाइनीज लेडी हैज ट्विस्टेड कॉटन शर्ट ट्विस्टेड एस्टिवेशन में चाइनीज लेडी चाइना रोज लेडी लेडी फिंगर और ट्विस्टेड कॉटन कॉटन तो ये किसके एग्जाम्पल थे ट्विस्टेड के थे कॉटन तो यहाँ पे लिखा है इम्ब्रिकेट गलत इम्ब्रिकेट किसका था केजिया और गुलमोहर गलत हो गया जनरली सेपल्स आर ग्रीन लीव लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बर्ड स्टेज सही बात सेपल्स क्या ग्रीन लाइक हैं जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं एट द बर्ड स्टेज इन साइमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सेस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर हेंस द लिमिट इज हेंस

हमसे करेक्ट पूछा था बी हमारा सही ऑप्शन है आगे चलो अ सिंपल लीफ हैज अनडिवाइडेड लेमिना ए सिंपल लीफ कौन सी है जहां अनडिवाइडेड लेमिना हो सही बात है लीव शोइंग पिनेट एंड पामेट है वेरियस टाइप ऑफ इंसीजंस हमारे अगर इंसीजंस कैसे कि एक तो हो गई ये वाली चीज ठीक है या तो इंसिजन हो ही ना या हो तो लेमिना डिवाइड ना हो ठीक है ऐसे ऐसे कंडीशन ये दोनों ही कंडीशन किसकी हो गई सिंपल लीफ की हो गई हमारी एजर्शन सही है और पिनेट में बच्चे क्या होते हैं कि हमारे मिड रिप रेचे बना लेती है और लीफ क्या है लीव में डिवाइड हो जाते हैं दिस इज पिनेट किस में देखने को मिलता है नीम में और पामेट में हमारे लीफ लेट्स एक पॉइंट से अराइज करते हैं दैट इज पामेट और किस में देखने को मिलता है सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है ठीक है दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं पर ये इसका रीजन नहीं है तो क्या है एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एक हमारी सिंपल लीफ को डिफाइन कर रहा है एक हमारी पिनियड पामेट को तो सही नहीं है आगे चले

चाइना रोज लेडी फिंगर एंड कॉटन तो इनमें कौन सा दे रखा है हमारा? Cotton दे रखा है. के लिए मैंने क्या बताया था? और गुल्मुहर. और हमारी फैमिली में है, जिसमें पी और बी हमारे एनसीआर टी के एग्जाम्पल्स गिवन है तो आप मैच करके बताओ कौन सा सही है ए किस से मैच हो गया टू से मैच हो गया तो ये तीनों हो सकते हैं बी हमारा वन से मैच हो गया ये दोनों हो सकते हैं सी हमारा फोर से मैच हो गया ये होगा तो और जी हमारा थ्री से मैच हो गया ऑप्शन बी क्या हो गया सही हो गया आगे चलो मैच कॉलम वन एंड टू चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक है कॉलम वन में हमारे पोजीशन ऑफ फ्लावर फ्लोरल पार्ट्स बताया गया है और हमारे कॉलम टू में एग्जांपल्स है हाइपोगाइनस हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी हाइपोगाइनस के एग्जांपल क्या थे चाइना रोज मस्टर्ड ब्रिंजल हाइ ए का किससे मैच हो गया टू से मैच हो गया पेरिगाइनस प्लम पीच रोज क्या दे रखा है पीच दे रखा है एपिगाइनस वावा क्योंकि मर री ऑफ सनफ्लावर ठीक है अब बता दो ए किससे मैच हो गया टू से मैच हो गया बी हमारा थ्री से मैच हो गया सी हमारा वन से मैच हो गया डी हमारा, हमारा सही ऑप्शन हो गया कोई मुश्किल नहीं है अगला क्वेश्चन देख लो कॉलम वन और टू मैच करना और करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है बहुत आसान है गैमोसेपलिस कहा गया फ्यूज से बच्चे गैमोसेपलिस ए किससे हो गया सिक्स से हो गया पोलीसेपेलस क्या होंगे फ्री होंगे बी हमारा इससे हो गया गैमो, गैमो फ्यूज्ड हमारा सी किससे हो गया फिफ्थ से हो गया पॉली पेटल्स पेटल्स क्या है फ्री हमारे डी थ्री से मैच हो गया एपीफिल्स लिली में देखने को मिलता है एंड्रोशियम हमारे किससे अटैच्ड है हमारे पेरियंथ से अटैच्ड है फर्स्ट से हो गया स्टेमिनोड स्टेराइल स्टेमिन पहली बार हमारे क्वेश्चंस में ये टर्म आई है पर एनसीआर की है हमारी स्टेमिनोड क्या है स्टेराइल स्टेमिन देखो स्टेमिन स्टेमिन पार्ट है stamen का काम क्या का है पोलिनग्रेन प्रोड्यूस करना फर्टाइल पोलिनग्रेन्स या तो हमारा स्टेमिन प्रोड्यूस ही ना करे ग्रेन और करे तो वो फर्टाइल ना हो तो हमारा स्टेमिन ओवरऑल हो क्या गया स्टेराइल हो गया और टर्म क्या है स्टेमिनोड है एफ़ क्या है टू के साथ अब इस यहाँ से बता दो ए किस से मैच हुआ सिक्स से मैच हुआ ये तीनों हो सकते हैं बी हमारा फोर से मैच हुआ ये दोनों हो सकते हैं सी हमारा फाइव से मैच हुआ ये होगा डी हमारा थ्री से मैच हुआ ये होगा ई e हमारा किससे मैच हुआ बच्चे फर्स्ट से मैच हुआ ये हो गया एफ़ हमारा टू से मैच हुआ है ये हो गया तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया डी हमारा सही ऑप्शन हो गया क्या कोई डाउट है आगे चले अगला देखो फिर से हमें मैच करना है कोलियोराइजा कोलियोराइजा बच्चे होता क्या है कि हमारी प्लूम्यूल को जो शीत प्रोटेक्टिव शीत रहती है डेट इज कोलियोराइजा आई एम सॉरी रिपीटिंग इट अगेन डेट इज कोलियोपटाइल कोलियोपटाइल पी से याद करना कोलियोपटाइल किसको कवर करी होती है प्लूम्यूल को यहाँ पे दिया है कोलियोराइजा आर से रेडिकल तो एक इसको फोर ठीक है फूड स्टोरिंग टीशू हमारे ऑप्शन में से फूड स्टोरिंग टीशू न्यूट्रिय रिजर्व क्या है इंडोस्पर में बी हमारा फिफ्थ हो गया पार्थिनो कार्पिक फ्रूट हमारा जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बने वो क्या है पार्थिनो कार्पिक फ्रूट है और हमारे सीडलेस ग्रेप सीडलेस वाटरमेलन और बनाना यहाँ पे ग्रेप का एग्जाम्पल दिया गया अगला देखो डी सिंगल सीडेड फ्रूट डेलर फ्रॉम मोनोकार्पुल सुपीरियर ओवरी मोनोकार्पुल सुपीरियर ओवरी से जो फ्रूट बनते हैं वो होते हैं बच्चे हमारा डूप। और ड्रूप बच्चे मैंगो और कोकोनट एग्जाम्पल है डी सेकेंड हो गया और मेम्रेनस सीड कोट इनफ्यूज विद ओवरी वॉल ये बच्चे हमारे कैरियज हमारे फ्रूट में देखने को मिलता है जो की हमारे पोएसी फैमिली का है ई किस का हो गया थ्री से मैच हो गया फिर से बता दो ए हमारा रेडिकल यहाँ पे बी हमारा एंडोस्पम यहाँ पे सी हमारा ग्रेप्स यहाँ पे डी हमारा मैंगो ड्रूप और मेम्ब्रेनस हमारा मेज ऑप्शन कौन सा सही है डी हमारा सही ऑप्शन है रीजन ऑफ रूट को लेके एक क्वेश्चन आ चुका है लेबलिंग के साथ ए और बी सी हमें ए बी सी हमें बताना है करेक्ट लेबलिंग करनी ए देखो यहाँ पे ए देखो इस रीजन में जहां पे रूट हेयर्स दिख रहे हैं दिस इज़ रूट रूट तो कौन से जोन में थे जोन ऑफ इलोंगे जोन ऑफ मेचोरेशन में थे ठीक है आगे बी बच्चे क्या है बी हमारे जहां से लेंथ इंक्रीज होगी रूट की दैट इज जोन ऑफ इलोंगेशन ठीक है जोन ऑफ मेच्यूरेशन इलोंगेशन क्लियर हो गया सी कहां है वो छोटा सा रीजन जहां पे मेरिस्टमेटिक सेल प्रेजेंट है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है क्या है region है रीजन रीजन प्रेजेंट सी हमारा जोन ऑफ हो गया ऑप्शन हमारा डी हो गया आसान टॉपिक ठीक है आगे चले लो लीफ का डायग्राम भी आ गया ठीक है यहाँ पे बता दो ए क्या है ए एक्सपेंडेड पार्ट है ए क्या हो गया लेमिना हो गया ए लेमिना हो गया ठीक है आगे देखो बी पिटल है हमारा डी क्या है लीफ बेस है ये दोनों ही सही है अब ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है व्हाट इज दिस दिस इज एक्सिलरी बड तो ये हमारा क्या हो गया एक्सिलरी बड हो गया और सी स्टिप्यूल्स हो गए लेटरल लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा ए ऑप्शन सही ठीक है आगे चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डायग्राम बेस्ड है ए बी सी में हमें बताना है कौन से फ्लावर ठीक है कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम इसमें पहले में देखो कि हमारा ए में हमारे ओवरी क्या है हाईएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है उसके नीचे से अराइज करें कैसा है हाइपोगाइनस फ्लार है ठीक है दिस इज हाइपोगाइनस फ्लार बी में देखो हमारे मोर और लेस सेम लेवल पे हैं हमारे फ्लोरल पार्ट्स और गाइनोशियम ये कौन से हाफ इंफीरियर ओवरी है पेरिगाइनस कंडीशन है नेक्स्ट में देखो थैलेमिस ने एकदम कवर कर लिया है ओवरी को और फ्लावर्स फ्लोरल पार्ट्स उससे ऊपर से अराइज हो रहे तो ऑफरी कैसे होगी इनफीरियर हो गई और हमारी एपिगाइनस हो गई कंडीशन ठीक है तो ए हमारा हो गया हाइपोगाइनस बी हमारा हो गया पेरीगाइनस और सी हमारा एपिगाइनस क्या ये चीज क्लियर है बहुत बार आ चुके हैं हमारे क्वेश्चंस में और ऐसा क्यों है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं प्लेसेंटेशन से और टाइप ऑफ फ्लावर से और एंड्रोशियम वाले पार्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम बेस्ड और एग्जांपल बेस्ड याद रखेंगे ठीक है ये तो एकदम पक्का टिप्स पे याद कर लो ये देखो जो मैं आपको बार-बार बता रही थी फाइलोटेक्सी क्या थी अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन स्टेम डायग्राम आ चुका है हमारे सामने हमारे डायग्राम में ध्यान दो ये हमारी स्टेम एक्सिस है ठीक है एक नोट यहाँ से अराइज हो रही है अगली नोट से फिर अगली नोट से मतलब एक नोट से सिर्फ एक लीफ अराइज हो रही है कौन सी फाइलोटेक्सी है? है अगले में देखो एक नोट से दो लीव्स अराइज हो रही है और ऐसी कौन सी होती है हमारी ओपोजिट फाइलोटेक्सी होती है अल्टरनेट में क्या था चाइना रोज मस्टर्ड सनफ्लावर ऑपोजिट में क्या था गुआवापिस और सी में देखो एक से हमारे मोर देन टू लीव अराइज हो रही है दिस इज वर्ल्ड फाइलोटेक्सी एग्जांपल एग्जाम्पल क्या हो गया ऑप्शन कौन सा ए हमारा सही हो ए हमारा सही ऑप्शन हो गया और एल्स्टोनिया हमारा एग्जाम्पल है वर्ल्ड फाइलो का क्या ये चीज क्लियर है आगे चले आगे देखो ये हमारे पार्ट दिखा रखे ए बी सी डी ऑफ मैंगो एंड कोकोनट दोनों ही कौन से टाइप का फ्रूट है ड्रूप फ्रूट है फ्रूट है तो हमारी एपिकार्प मीजोकार्प एंडोकार्प प्रेजेंट होगी ठीक है यहाँ पे देखो एक इसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे एपिकार्प को आउटर मोस्ट थिन लेयर ठीक है बी हमारे मैंगो में होती है बेटा एडिबल ठीक है लेकिन हमारे कोकोनट में होती है fibrous, जो से कोयर होता है तो बी क्या हो गया मीजो हो गया ठीक है अब डी देखो डी ये स्टोनी पार्ट है ठीक है और हमारा यहाँ पे क्या सी में, क्या है? है. तो में. में. क्या है हमारा सीड है तो अब यहाँ पे बता दीजिए ए हमारा एपिकार चार ऑप्शन सेम है बी हमारा मीजोकार्प सारे ऑप्शन सेम है सी क्या है हमारा सीड है और डी क्या है हमारी एंडोकार्प है डेट इज स्टोनी एंडोकार्प इसलिए ड्रुप क्या है स्टोनी फ्रूट कहा जाता है आगे चले Which ऑफ of वन ऑफ द the शोज द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द A B ए बी सी डी द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ dicot seed का टिपिकल स्ट्रक्चर दे रखा है ठीक है ए क्या है बच्चे हमारा हाइलम है ठीक है और बी क्या है हमारा माइक्रोपाइल पोर है जो एब्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है ठीक है यहाँ पे देखो अगर इसकी मैं बात करूँ ओपन की बात करूँ तो ये हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है सी क्या है प्लूम्यूल है ई e क्या है हमारी रेडिकल है और डी बच्चे हमारा कॉटलीडन ठीक है यहाँ पे देख लो ए हाइलम बी माइक्रोपाइल सी रेडिकल नहीं यहाँ पे तो सी रेडिकल डी हमारा कॉटेलिडन ई e हमारा रेडिकल कौन सा सही ऑप्शन हो गया बी सही ऑप्शन हो गया क्या ये चीज क्लियर है दोबारा बताऊ हमारा <coughs> ये पार्ट डी क्या है कॉटेलिडन है ई e रेडिकल जहां से रूट बनेगी सी हमारा प्लूम्यूल जहां से शूट बनेगी ये हमारा माइक्रोपाइल पोर और ये हमारा स्कार ऑन सीड कोड दैट इज हाइलम ऑप्शन बी हमारा सही monocotor monocotor है अगले का क्वेश्चन देखो गिवन फिगर शोज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड मोनोकोट सीड का टिपिकल स्ट्रक्चर है ए बी सी डी ई मार्क किए गए हैं ठीक है इसमें बच्चे हमारी ए क्या है ए बी ए बी डी ई हमें ये सब बताने ये स्ट्रक्चर बताना है ए तो हमारी हो गई एंडोस्पम ठीक है दिस इज एंडोस्पर तो हमारे ए और सी में से कोई ऑप्शन सही होगा ये बी क्या है बच्चे हमारा embryo है, ठीक है। और अगर मैं इस इस फिगर की बात करती हूँ तो इस फिगर में हमें देखने को मिलता है कि जो मोनोकोट सीड में जो सिंगल कॉटोलिडन है दिस सिंगल कॉटोलीडन क्या है बच्चे हमारा स्क्यूटेलम ठीक है तो ये ऑप्शन जा सकते हैं और डी बच्चे देखो ये डी किसको प्रोटेक्टिव शीट है प्लियूम्यूल को ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है प्लेम्यूल को तो डी क्या होगा कोल्योपटाइल होगा और ई e क्या होगा जो रेडिकल को कवरिंग शीथ है तो क्या होगा कोलियोराइजा होगा तो ऑप्शन कौन सा सही है सी सही ऑप्शन क्लियर है सारे डायग्राम्स आगे चलें द गिवन फिगर ए बी एन सी शोज डिफरेंट टाइप ऑफ रूट डिफरेंट टाइप की रूट हमारे देखने को मिल रही है आइडेंटिफाई करना है द रूट विच इज सीन इन वीट एंड ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम वीट भी हिंट दे दिया और बेस ऑफ द स्टेम भी हिंट दे दिया कहीं भी आपके पास क्वेश्चन है ना तो आप समझो उस क्वेश्चन में ही आंसर होता है वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहा होता है आपको बस वो हिंट पहचानना है बेस ऑफ स्टेम से कौन सी फाइब्रस रूट अरराइज होती है और फाइब्रस रूट्स थिन थिन डेलिकेट रूट से जो बेस ऑफ द स्टेम से है और किस में हमारी वीट में तो ये तो टैप रूट हो गया ठीक है ये एडवेंटिशियस और ये क्या हमारे फाइब्रस रूट है ऑप्शन कौन सा सही है बी हमारा सही ऑप्शन क्लियर है आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ फ्लोरल फीचर्स आर मेनली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन एंजियोस्पर्म्स में हम फ्लोरल फीचर्स को क्यों यूज करते हैं द रीजन इज कि वो ज्यादा स्टेबल कैरेक्टर्स हैं कंपेयर टू वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ठीक है तो ऑप्शन कौन सा सही है सी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ठीक है आगे चलो मेन फंक्शन ऑफ लीफ लीफ का मेन फंक्शन है क्या ठीक है लीफ का अगर मेन फंक्शन में बात करूं डेट इज फोटोसिंथेसिस बार बार कह रहे ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ग्रीन मतलब क्लोरोफिल क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एनसीआरटी एनसीआरटी की लाइन है एंड डेट इज लीफ इज मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस ऑप्शन सी क्या हो गया सही हो गया आगे चलो द कैरेक्टर ऑफ फ्लावर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोरल फॉर्मूला बट नॉट फ्लोरल डायग्राम इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो फ्लोरल फॉर्मूला में तो देखने को मिलता है लेकिन सॉरी फ्लोरल फॉर्मूला में तो देखने को मिलता है पर फ्लोरल डायग्राम में नहीं देखने को मिलता ठीक है एस्टिवेशन नहीं फ्लोरल फॉर्मूला में हम कैसे बता सकते हैं अगर मैंने के को पांच लिख दिया सी को पांच लिख दिया हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा एस्टिवेशन वेलवेट इम्ब्रिकेट कुछ पता नहीं चल रहा गलत हो गया ऐसा बताना जो फ्लोरल फॉर्मूला से पता चल रहा हो फ्लोरल डायग्राम से नहीं पता चल रहा हो प्लेसेंटेशन नहीं अगर मैंने G2 लिख दिया तो हमें प्लेसेंटेशन का नहीं पता चल रहा G5 लिख दिया नहीं पता चलता कैसा है गलत हो गया अगर समझो मैंने G1 ही लिख दिया तो कैसा पता चलेगा नहीं लिख कर सकते प्लेसेंटेशन भी गलत है अडेशन ऑफ स्टीम तो बच्चे हमारे डायग्राम और फॉर्मूला दोनों से पता चलता है अडेशन में फ्यूजन दिखा देते हैं लाइन से हम अगर सी ए की बात करते हैं तो ऐसे और अगर पेटल्स की बात करते हैं तो ऐसे हम दिखा देते तो ये भी गलत हो गया पोजीशन ऑफ गाइनोशियम देखो फ्लोरल फॉर्मूला में हम गाइनोशियम की पोजीशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं लेकिन फ्लोरल डायग्राम में हम नहीं बता सकते एपिगाइनस है या हाइपोगाइनस है ऑप्शन कौन सा सही है सी हमारा सही ऑप्शन है ठीक है आगे चले अगला क्वेश्चन देखो सीड्स आर रिगार्डेड एज प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज सीड हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट माना जाता है क्यों क्योंकि सीड बना कैसे सीड में है क्या हमारा एम्ब्रियो एम्ब्रियो किससे बने जाएगा और एम्ब्रियोड बना किससे हमारे मेल और फीमेल जब फ्यूज हुए तो ऑप्शन कौन सा सही है आर रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट यही तो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गेमीट एंड फ्यूजन ऑफ गेमीट तो ऑप्शन कौन सा सही है सी हमारा सही ऑप्शन है आगे चलो फ्लार एक्स द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट पोजिशन वाइल दर सिचुएटेड बिलो इट दू बारोशियम पोजिशन पे है तो वो फ्लार कौन सा होता है हाइपो गाइनस होता है और ऐसे में अगर ओवरी अगर सबसे हाइएस्ट गाइनोशियम हाइएस्ट पोजिशन पे तो ओवरी क्या है सुपीरियर ओवरी है तो ऑप्शन कौन सा सही है सी हमारा सही ऑप्शन है आगे चलो मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम फंक्शन क्या है रूट सिस्टम का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स सही बात है एनसीईआरटी की एकदम लाइन है स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड जैसे हमारा स्वीट पोटैटो जैसे कैरेट जैसे रेडिश सही है सिंथेसिस ऑफ प्लांट रेगुलेटर हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का रूट्स में सिंथेसाइज होते हैं ऑप्शन कौन सा सही है डी हमारा सही ऑप्शन है आगे का क्वेश्चन रीजन ऑफ रूट टिप सेल्स अंडर गो रेपिड इलोंगेशन इलोंगेशन मतलब हमारे सेल्स क्या कर रहे? कर रहे रहे हैं हैं जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ और यही बताया था डेट इज रीजन ऑफ इलोंगेशन या इलोंगेशन जोन क्या है डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ इंक्रीज ऑफ रूट तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा बी सही ऑप्शन है क्लियर है आगे के टॉपिक करेंगे हम एडेड टॉपिक से आप जानते हैं कि हमारे एनसीआर से अब हमारे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम और लीफ हट चुका है ठीक है लेकिन हम इस टॉपिक में हम वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑल्सो एडेड फैमिलीज के क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लियर है चले पहले है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट एडिबल पार्ट ऑफ स्वीट पोटैटो हमारा स्वीट पोटैटो एडिबल पार्ट है लेकिन है क्या हमारा एक रूट है और रूट में भी क्या है एडवेंटिशियस रूट है तो ऑप्शन कौन सा सही है बी सही ऑप्शन है क्लियर है आगे का चलो रेडिश एंड कैरेट आर मॉडिफिकेशन ऑफ रेडिश और कैरेट किसके मॉडिफिकेशन है दोनों ही हमारी रूट की मॉडिफिकेशन है और स्पेसिफिकली तो टैप रूट की मॉडिफिकेशन है ऑप्शन हमारा ए सही आगे का क्वेश्चन ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ स्टेम प्रेजेंट ऑफसेट क्या है बच्चे इसको एक्वेटिक रनर्स कहते हैं ऑफसेट में क्या होता है कि हमारा शॉर्ट इंटरनोड होता है क्लस्टर ऑफ लीव्स प्रेजेंट होती है डायग्राम से जानना चाहोगे अगर प्रोस्ट्रेट शॉर्ट इंटरनोड होती है क्लस्टर टफ्ट ऑफ रूट क्लस्टर ऑफ लीव्स ऐसे प्रेजेंट होती है और ये कॉम एक्वेटिक रनर कहा तो एक्वेटिक प्लांट पिस्टिया और इकोर्निया में ऑप्शन ए सही है आगे चलो न्यूमेटोफोर्स न्यूमेटोफोर्स कौन से हैबिटेट है है में होंगे मार्शी हैबिटेट्स में मार्शी हैबिटेट है में हमारी ओ2 डेफिशिएंसी है इसलिए वो ऊपर की तरफ ग्रो करते ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है राइजोफोरा में ऑप्शन कौन सा सही हो गया सी हमारा सही ऑप्शन हो गया आगे का क्वेश्चन करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम से ठीक है जिंजर इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम जिंजर हमारा अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड स्टेम का है और उसमें हमने राइजोम कORM ट्यूबर और बल्ब पड़े लेकिन जिंजर किसका एग्जाम्पल था हमारे राइजोम का एग्जाम्पल था दैट इज होरिजोनली ग्रोइंग अंडरग्राउंड स्टेम ऑप्शन कौन सा सही है ए सही है नोट्स भी होते इंटर नोट्स भी होते आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम मॉडिफिकेशन इज कॉमनली फाउंड इन अनियन एंड गार्लिक अनियन और गार्लिक में कौन सी हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन होती है इसमें बच्चे होता क्या कि हमारी स्टेम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है जिसके अराउंड कंसेंट्रिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं डेट इज फ्लेशी लीव्स ठीक है और ये यहाँ पे हमारी रूट्स होती है ये है क्या हमारा एक बल्ब है और बल्ब किसका है मॉडिफिकेशन गार्लिक ऑप्शन कौन सा सही है सी सही ऑप्शन है गार्लिक और अनियन में हमारे बल्ब देखने को मिलते हैं आगे चलो मॉडिफाइड शूट वेर शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम हमारी शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मैरिस्टम में चेंज हो गई है तो उस मोडिफाइड शूट को क्या कहेंगे फ्लार कहेंगे ऑप्शन ए हमारा सही है आगे चले एक्सपेंडेड ग्रीन स्टेम ऑफ ली एक्सपेंडेड ग्रीन स्टेम ऑफ ओपनशिया देखो ओपनशिया में हमारे लीफ मॉडिफाई करके स्पाइन बना लेते हैं। अब लीफ का फंक्शन था फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करेगा कौन स्टेम करेगी स्टेम क्या है फ्लैटन फ्लैट स्ट्रक्चर बना लेती है और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है और इस मॉडिफिकेशन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं डेट इज फाइलोक्लेड फाइलोक्लेड ठीक है ऑप्शन कौन सा सही हो गया ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया ठीक है आगे चले

आगे देखो हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम अभी बताया था हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम नोट इंटर इंटरनोड्स क्या है राइजोम है सी क्या हो गया सही हो गया यहाँ पे तो एक टर्म है राइजोइड क्या प्लांट किंगडम से रिलेट कर पा रहे हो क्या राइजोइड ब्रायोफाइट्स में पढ़े थे लिंक कर पा रहे हो ना ठीक है फाइलोक्लेड क्या है फाइलोक्लेड बच्चे हमारी स्टेम क्या है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है फाइलोक्लेड कॉम क्या है वर्टिकली ग्रोइंग है और राइजोम क्या है? हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग है ठीक है ऑप्शन सी सही है आगे हम करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में ठीक है जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे द ब्लैडर ऑफ यूट्रिकुलेरिया एंड पिचर ऑफ निपेंथिस ये हमारे क्या इंसेक्टीवर प्लांट हैं जिसमें हमारी लीफ मॉडिफाई करके क्या बना लेती है सेक लाइक या पिचर लाइक -like बना लेती है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं ऑप्शन क्या है बी सही किसकी मॉडिफिकेशन है लीफ की मॉडिफिकेशन आगे चले मॉडिफिकेशन ऑफ पिटीओल इनटू टू लीव लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड देखो मॉडिफिक पिटीओल लीव का ही पार्ट है पर यहाँ पे होता क्या है अब हमारा फ्लैटन स्ट्रक्चर बना लेता है पिटीओल ठीक है और ऐसा किस में होता है हमारे फाइलोड में होता है और ऐसा करते क्यों हैं क्योंकि हमारी लीव शॉर्ट लिव्ड होती हैं और हमारा फ्लैटन पिटीओल फ्लैटन बना लेगा और होगा क्या कि वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑप्शन सी सही है और ऐसे कौन से प्लांट्स में देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन अकाशिया कौन सा सही ऑप्शन हो गया फाइलोड हमारा सही ऑप्शन हो गया आगे चलिए द लीव पार्ट्स गेट्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स इन ऑर्डर टू हमारा लीव पार्ट स्पाइन में मॉडिफाई कर जाता है क्यों ताकि सरफेस एरिया हमारा डिक्रीज हो सके ताकि ट्रांसपेरेशन रेट कम हो सके और ऑल्सो हमारे जो ग्रेजिंग कांटे क्या है कांटे का अगर फंक्शन देखे कि उन्हें कोई छुए ना प्लांट को कोई छुए ना उनमें दर्द हो तो ग्रेजिंग एनिमल्स से प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं तीनों ही ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया ठीक है आगे चले आगे का क्वेश्चन करेंगे हम एडेड फैमिली से

क्लियर है गैमोसेपलिस है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है सही बात है कैलिक्स हमारी गैमोसेपलिस होती है हमारी इम्ब्रिकेट या वेलवेट एस्टिवेशन होती है आगे देखो कोरोला पांच है पॉलीपेटेलिस और वेक्सिलरी एस्टिवेशन बताया था पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन या वेक्सिलरी एस्टिवेशन किस में फेबेसी फैमिली में देखने को मिलता है ये भी सही एंड्रोशियम हमारे टेन एंड्रोशियम बताया था ना एंड्रोशियम कैसे लिखते हैं ए नाइन प्लस वन तो क्या है दो बंडल्स प्रेजेंट है डाई एडल्फस पी में भी पढ़ा था टोटल कितने होते हैं टेन होते हैं एंथर डाइथिकस होते हैं तीनों ही सही हैं आगे देखो गाइनोशियम ओवरी इनफीरियर यहाँ गलत हो गया सुपीरियर ओवरी होती है फेबेसी फैमिली में जी कैसे लिखते हैं ऐसे लिखते है. ठीक है हमारी कैसे होती है मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है ठीक है तो यही ऑप्शन ये यह गलत हो गया तो हमसे पूछा था नॉट अ फ्लोरल फीचर ऑप्शन डी क्या हो गया सही हो गया ठीक है आगे चले। is obtained from a member of... बच्चे हमारे लिए किया जाता है तो बी क्या हो गया सही हो गया आगे चलो फाइंड मिसमैच इसमें से मिसमैच बताने ठीक है डाई इंडिगोफेरा इंडिगोफेरा फेबेसी फैमिली का मेंबर है जहाँ से हमारी डाई एक्सट्रैक्ट की जाती है फाइबर सन हैम सन हमारा फाइबर है अगेन फेबेसी फैमिली ट्राइफोलियम ट्राइफोलियम और से, सेसबेनिया क्या है फोडर की तरह यूज किए जाते हैं तीनों ही सही हैं एडिबल ऑयल मुलेठी नहीं हमारा एडिबल ऑयल नहीं है एडिबल ऑयल किससे था ग्राउंड नट से था तो ये क्या हो गया हमारा गलत ऑप्शन हो गया हमसे ऑप्शन हमारे सही हो गया क्योंकि हमसे मिसमैच पूछा गया था ठीक है आगे चले अगला क्वेश्चन देख लो द कंडीशन ऑफ स्टीम इन चाइना रोज चाइना रोज में हमारा स्टेमिन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखो हम कहते हैं कि कंडीशन क्या है हमारी मोनो एडल्फस मोनो एडल्फस मोनो एडल्फस का बच्चे मतलब क्या है कि हमारे स्टेमिन फ्यूज करके सिंगल बंडल या सिंगल बंच में प्रेजेंट होते ठीक है ठीके? तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी हमारा सही ऑप्शन हो गया ठीक है आगे चले आगे देखो द फ्लोरल डायग्राम शोन इन द गिवन फिगर कैन रिप्रेजेंट द इनमें से ये बताओ ये फ्लोरल डायग्राम कौन सी का पहले आप family बता दो, ठीक है ध्यान दो, है, है? ठीक अब ये देखो दो बाहर की तरफ है, दो अंदर की तरफ तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दो, के? टू प्लस टू? दो बाहर दो अंदर है आगे देखो कोरोला हमारे चार है एक मिनट कोरोला हमारा चार है और है फ्री है आगे देखो एंड्रोशियम का ध्यान से देखना एक एंड्रोशियम दो एंड्रोशियम लेकिन बाहर है अलग है और एक दो तीन चार चार अंदर है हमारे वेरिएशन इन लेंथ और दो बाहर चार अंदर इसको कैसे लिख सकते हो ए टू प्लस फोर ठीक है गाइनोशियम देख लो गाइनोशियम देखो ये हो गया ओव्यूल्स हमारी पेरीफ्री में और प्रेजेंट है ये क्या हो गया हमारी गाइनोशियम टू और फ्यूज है और सुपीरियर है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हो गया ठीक है ऐसा फ्लार ऐसा फ्लोरल फॉर्मूला आज की नई एनसीईआरटी में भी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है ब्रेसिकसी फैमिली हमारे डायग्राम से फ्लोरल फॉर्मूला निकल आया फ्लोरल फॉर्मूला से फैमिली निकल आई और फैमिली से पता चल गया मस्टर्ड किसका है ब्रेसी किसी फैमिली से बिलोंग करता है ठीक है आगे चले द मेंबर्स ऑफ द फैमिली रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोरल फॉर्मूला इनमें से फ्लोरल फॉर्मूला से देखो ध्यान दो तीन 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 ट्राई मेरेज फ्लार की तरफ इशारा और ट्राइम कंडीशन किस में प्रेजेंट होती है हमारी फैमिली में प्रेजेंट होती है एक तो ये फीचर हो गया दूसरा फीचर भी देख लो कि हमने देखा कि पी दिखा रहा है पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पेरियंत हमारी लिलियसी फैमिली क्लोथी फैमिली है जहां पे हमने पेरियंथ पढ़ा ठीक है तो ये तो समझ आ गया कि लिलियसी फैमिली की बात हो रही है अब ये हम समझ लेंगे लिलियसी फैमिली के फीचर्स ठीक है ऑप्शन ए की तरफ एक्सटिपुलेट एंड पैरेलल वेनिशन देखो हमारी लिलिएसी क्या है हमारी लिलिएसी इस मोनोकोट फैमिली मोनोकोट फैमिली है तो हमारी वेनिशन पैरेलल वेनिशन और एक्सटिपुलेट है स्टिपुलेट तो सिर्फ पुरानी फैमिलीज में हमारी फैबेसी थी ठीक है एक्सटिपुलेट है यही हमारी सही है ऑप्शन तो हमारा ये सही होना चाहिए पर आगे देखेंगे आगे देखो बाईसेक्सुअल होते हैं जाइगोमॉर्फिक नहीं फ्लैट कैसे होता है एक्टिनोमार्फिक होता है रेडियल सिमेट्री होती है गलत हो गया ट्राइलोक्यूलर होती है इनफीरियर ओवरी नहीं क्या होती है सुपीरियर ओवरी होती है ये भी गलत हो गया वेलवेट एस्टिवेशन पर हमारे वेलवेट एस्टिवेशन में है पर क्या बेसल प्लेसेंटेशन है नहीं प्रेजेंट है एक तो देखो हमारे बेसल प्लेसेंटेशन से तो यूनिलोक्युलर होना चाहिए ना लेकिन हमारे होती क्या है ट्राइलोक्युलर होती है तो ये भी गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है ए हमारा सही ऑप्शन है क्लियर है यहीं से देख लो फैम, देखो यहां पे बेसल दिया था पर बेसल में एक होना चाहिए यहां पे तीन दे रखा है यही से पता चल रहा है गलत है यहाँ पे इंफीरियर ओवरी है हम फ्लोरल फॉर्मूला से ही पता चल पा रहा है कि हमारी सुपीरियर ओवरी कंडीशन दे रखी है तो यही से हमें चीजें क्लियर हो जाती है यहाँ पे जाइगोमोर्फिक है यहाँ पे हमें दिख रहा है एक्टिनोमोर्फिक कंडीशन हमारे सारे ही ऑप्शन क्लियर हो गए फ्लोरल फॉर्मूला से ठीक है आगे चलें

दो तीन चार चार फैमिलीज हो गई ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है आगे चले प्लेसेंटेशन सीन इन ब्रेसी केसी। ब्रेसी केसी से जो इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है दैट इज मस्टर्ड और मस्टर्ड में हम पढ़ चुके हैं प्लेजेंटेशन कैसा होता है पेराइटल प्रा, प्लेसेंटेशन होता है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम का भी नाम था रेपलम ठीक है ऑप्शन ए क्या हो गया सही हो गया आगे चले आगे देखो हमें दिया गया है हमें मैच करना है कॉलम वन को विद द टाइप ऑफ गाइनोशियम एंड सिलेक्ट द करेक्ट मैच ठीक है पहली फैमिली दी गई है फेबेसी ठीक है फेबेसी का बताओ फेबेसी में होती कैसी कंडीशन फेबेसी से तो पी याद आ गया होगा आपको पी में कैसी प्लेसेंटेशन होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है अब मार्जिनल प्लेसेंटेशन का तो आपको पता ही है कि हमारी कंडीशन कैसी होगी कि एक रिज पे हमारे ऑब्ल्यूज प्रेजेंट है ठीक है चलो और हमारी ये तो हो गई कि एक ओव... लेकिन अगर लॉक्यूल की बात करो कैसे होती है हमारी यूनिलोक्यूलर होती है ना चले ओवरी सुपीरियर मोनोकार्पलरी यूनिलोक्यूलर विद मैनी ऑब्ल्यूज सिंगल स्टाइल तो ये सारे कंडीशन आ गए फेबेसी की सोलेनेसी में होते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन एक्साइल प्रेजेंटेशन मतलब मल्टीलोक्यूलर बाईकार्पिलरी और सुपीरियर ओवरी पढ़ चुके हैं ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर अगर मैं डायग्राम की बात करूं सोलेनेसी में तो आपने देखा है कैसा दिखता है हमारा ऐसा सा दिखता है यहाँ पे हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट ठीक है थीके? पर क्या है ये टेरी लाइन गलती से नहीं क्यों नहीं गलती से देखो हमारा ऐसा होता सेप्टम तो लेकिन ओब्लिक सेप्टम प्रेजेंट है ये किसका है हमारी फैमिली का है तो आप देखो बाई कार्पलरी बाई कार्पलरी ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम स्वॉलन प्लेसेंटा विद मैन्यू ओवल स्वॉलन प्लेसेंटा देख लो ये बीच में जो ये बना है ठीक है लिलीसी फैमिली ट्राइमेरस है तो ट्राइमेरस से ट्राई कार्पुलरीसिन कार्पस सुपीरियर ओवरी ठीक है अब मैच करके जल्दी से बता दो ए किससे मैच हो गया आर से मैच हो गया ठीक है बी किससे मैच हो गया पी से, से मैच हो गया यहीं से क्लियर हो गई हमारी चीज कौन सा सी ऑप्शन सही है आर किससे मैच हो गया पी से मैच हो गया ठीक है आगे चलें

एपिटेपिलिस का मतलब बता देते तो हैं इसका यही है एपिफिलिस ये हमारे स्टेमेंस हमारे टेपल से अटैच्ड है या मैं कहूँ पेरियन से अटैच्ड है क्लियर है पर यहाँ पे आपको बता रहे लिलिएसी का मेंबर सेस्बेनिया नहीं फेबेसी पिट्यूनिया हमारी सोलेनेसी से एस्वगंधा हमारी सोलेनेसी से एस्पेरेगस है जो कि एक फूड की तरह यूज किया जाता है एंड इज अ मेंबर ऑफ लिलिएसी फैमिली ठीक है आगे चलें अगला क्वेश्चन देखो गिवन फीचर बिलोंग टू विच फैमिली ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं एपी कैलक्स मोनो एडल्फ मोनो एडल्फस हमने चाइना रोज में पढ़ा था और चाइना रोज किसका एग्जाम्पल है मालवेसी मालवेसी और मालवेसी से याद कर लो एपी कैलक्स हमने इतनी सात फैमिलीज पढ़ी है सात फैमिली में इकलौता एपी कैल्क्स किस में प्रेजेंट है मालवेसी में प्रेजेंट है स्टेमिनल ट्यूब हमारे स्टेमिन का फ्लामेंट स्टेमिनल ट्यूब बना लेता है और एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है सबके सब हमारे मालवेसी फैमिली के ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हमने सारी फैमिली पढ़ी हैं सारे क्वेश्चंस वहां से सॉल्व हो जा रहे हैं आगे देखो प्रेजेंस ऑफ हेरी पेपिस हमारे अगर कैलिक्स है परसिस्टेंट रहता है एज अ हेरी पेपिस और डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है और ये किसका फीचर है कंपोजिटिव फैमिली का फीचर है या मैं कहूँ एस्टरेसी फैमिली का फीचर है ठीक है जैसे डोरेमोन में देखा ना वो उड़ते उड़ते दिखते हैं व्हाइट कलर के वो दैट इज पेपिस हेरी पेपिस ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी हमारा सही ऑप्शन हो गया आगे का क्वेश्चन देखिए स्पाइकलेट, स्पाइक और फैमिली की है? Spike का मतलब spikelet. हमारे फॉर्म spike में प्रेजेंट है यह एक तरीके का है, जो की पोइसी फैमिली में देखा जाता है ऑप्शन ए क्या है सही है. आगे चले हो गए दिस इज ऑल अबाउट आर क्वेश्चन फ्रॉम मॉर्फोलॉजी फैमिलीज मॉर्फोलॉजी फैमिलीज के और हम मॉर्फोलॉजी पूरे चैप्टर के जिसमें रूट लीफ फ्लार और उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं टॉपिक वाइज एज वेल एज रेंडम दैट इज एग्जैम्रल आई होप आपको क्लियर हो चुके हैं आपके वीक पॉइंट्स और आपको पता चल गया है कहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है This is all for today from my side. Thank you so much.